नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेशन है तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ एट फाइव सिक्स फोर फाइव जीरो नाइन टी नाइन सिक्स जीरो एट नाइन सेवन टू एट सी फोर फाइव फाइव यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पे कॉल या वॉट्सअप कर सकते हैं

पीसीएस जे का जीके पेपर हुआ था उसमें भी स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमारे इसी मंथली करंट अफेयर को फॉलो करके अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके वेड नंबर्स पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मंथली करंट अफेयर में सबसे पहला सेगमेंट एग्रीमेंट का होता है एग्रीमेंट में सबसे पहले नासा और ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी का एग्रीमेंट देख लेते हैं अभी ब्लू ओरिजिन से क्वेश्चन भी, भी आया था कि किसकी कंपनी है जय बजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन ठीक है ब्लू ओरिजिन जय बेजोस का इससे पहले जय बेजोस एमेजॉन के सी हुआ करते थे अभी अमेजॉन के सी नहीं है स्टेप डाउन कर चुके हैं एनडी जेसी हैं अमेजॉन के सी तो नासा अपना एक दोहरा अंतरिक्ष यान लॉन्च करना चाहता है जिसका नाम होगा एस्केपेड एस्केपेड अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए न्यू ग्लेन हैवी लिफ्ट रॉकेट का सपोर्ट लिया जाएगा जो कि इसका रॉकेट है ब्लू ओरिजिन का तो ब्लू ओरिजिन का रॉकेट रहेगा यहाँ पे अंतरिक्ष यान रहेगा नासा का एस्केपेड नाम का और जिस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा ये नासा का प्रोग्राम है सिम्प्लेक्स प्रोग्राम इसके तहत 2024 के एंड तक एस्कपेड को लॉन्च किया जाएगा जिसमें नासा और ब्लू ओरिजिन आपस में सहयोग कर रहे हैं एग्रीमेंट में इतना ही जानना जरूरी होता है कि उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी दो बॉडीज साथ आई हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करेगी राजस्थान की सरकार राजस्थान के जयपुर में एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र खोलना चाहते हैं दिव्यांगों के लिए उसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करेगी राजस्थान की सरकार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे हैदराबाद में है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने समझौता किया है बॉक्सर निखत जरीन के साथ निखत जरीन को ये अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाना चाहते हैं तो निखत जरीन जो बॉक्सर हैं ब्रांड एम्बेसिडर किसकी बन गई है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अब देखिए बहुत सारे एथलीट बहुत सारे ब्रांड को प्रमोट करते हैं लेकिन वो प्राइवेट ब्रांड होते हैं तो हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है पी है इस वजह से हमने इसको लिया है इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल और भारत के बीच समझौता हुआ है तो ये जॉइंट ट्रायंगल और भारत के बीच समझौता किन मदों पर हुआ है ऊर्जा दक्षता ठीक है और टिकाऊ प्रथाओं पर यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे भारतीय समूह जो है भारतीय ग्रुप वेदांता का जो है और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन है इनके बीच समझौता हुआ है तो भारत में वेदांता ग्रुप और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने गुजरात में देश के पहले सेमी कंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है तो वेदांता और फॉक्सकॉन कहाँ पर देश का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट लगाने वाले हैं गुजरात में ध्यान रखिएगा और जब ये प्लांट लगेगा तो आपको बताएंगे इसके बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एवं एडिडास के बीच यहाँ पे करार हो चुका है पहले भारतीय टीम का जो किट स्पॉन्सर था अभी तक जो कि रहेगा अभी जून दो तक वो रहेगा किलर तो किलर अब नहीं है किट स्पॉन्सर ये कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हासिल किया किसने एडिडास ने तो एडिडास है भारत मतलब कह सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर तो क्रिकेट टीम में एक किट स्पॉन्सर होता है वो हो गया आपका एडिडास जर्सी स्पॉन्सर अभी तक तो बाइजू है लेकिन इनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है मार्च में ठीक है तो हम बताएंगे आपको कौन बनता है अब अगला जर्सी स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर कौन है टाइटल स्पॉन्सर जो है पहले पेटीएम हुआ करता था लेकिन अब पेटीएम नहीं टाइटल स्पॉन्सर जो है बीसीसीआई का या फिर भारतीय क्रिकेट का अब है मास्टर कार्ड ठीक है ये सब हमने आपको पहले कराया हुआ है और इसी ये सब पूछा जाता है जैसे ओडिशा जो है ओडिशा स्टेट भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम दोनों का ही स्पॉन्सर बना हुआ है दो तक के लिए रशिया और अमेरिका के बीच जो ये स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी चला करती थी कई कह, कई कह, बार रिन्यू भी हुई है ये इसको स्टार्ट बोलते हैं वो लोग तो इससे अब रशिया ने खुद को एग्जिट कर लिया है रशिया यूक्रेन वॉर की स्पीच दे रहे थे श्री पुतिन उन्होंने कहा कि अब हम इस ट्रीटी के टर्म्स को नहीं मानेंगे उन्होंने कहा कि यूएस नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने पहली स्टार्ट संधि हुई थी करीब उन्नीस में यहाँ पे इक्यावन छप गया है इसको सही करेंगे उन्नीस में सबसे पहली यहाँ पे स्टार्ट ट्रीटी अपनाई गई थी कोल्ड वार के खत्म होने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के उस समय के जो है राष्ट्राध्यक्ष मिखाइल गौरबेव के बीच हुआ था समझौता इसके बाद 2010 में इसको रिनीू किया गया था तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदेव ने इसको रिड्यू करने का काम किया था फिर जो है पाँच फरवरी 2011 को इन्होंने रिन्यू किया इसको फिर पाँच साल बढ़ाया फिर 2021 तक इसको और आगे बढ़ाया अब फाइनली रशिया ने कहा है कि अब यूएस चूंकि अपने टर्म्स को नहीं मान रहा है तो हम भी नहीं मानेंगे ये उनका कहना है तो इस तरीके से न्यू स्टार्ट परमाणु संधि अब ये निलंबित होती है इसमें बेसिकली ये था कि इन दोनों के बीच पैक्ट था कि हाँ हाँ इतने इतने हम लोग न्यूक्लियर वेपन शेयर करेंगे इतने तुम रखोगे इतने हम रखेंगे लेकिन अब जो है रशिया ने कह दिया कि इस टर्म्स को जब यूएस नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने ये वाली बात हो गई भारत और तो गुयाना के बीच समझौता हुआ है गुयाना के जो हम लोग कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं भरत जगदेव उन्होंने कहा है कि चौबीस फरवर दो 2023 को कि भारत और तो गुयाना ने एक एमओयू साइन किया है कि वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कॉपरेशन करेंगे ऑपरेशन का मतलब है कि गुयाना ऑयल और गैस सप्लाई करेगा भारत को क्योंकि गुयाना ने दो में एक बहुत बड़ा भंडार क्रूड ऑयल का यहाँ पे खोजा था जो कि करीब ग्यारह बिलियन बैरल्स का था इस तरीके से ये छोटा सा नेशन जो है बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स वाले देशों में से एक बन गया था ठीक है तो गोयाना और इंडिया के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है अब समझौता नहीं भी जरूरी है मैं आपको ये बतलाना चाह रहा था इस न्यूज़ के माध्यम से कि जैसे ऑयल रिजर्व्स में बातें आती हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है यूएस के पास है ऑस्ट्रेलिया के पास है तो एक ऑयल रिजर्व बहुत बड़ा गुआना के पास भी है ठीक है तो ये सब कभी कभी स्टैटिक में पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम्स में अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे यहाँ पर गुएन युआन फुक ये इन्होंने बेसिकली इस्तीफा दिया वियतनाम के राष्ट्रपति पद से इन्होंने रिज़ाइन किया है ठीक है भारतीय अमेरिकी डॉक्टर एमी बेरा एमी बेरा यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में नियुक्त हुई हैं और ये इस हाउस पैनल में प्रमिला जयपाल शामिल हैं राजा कृष्णमूर्ति और रो खन्ना पहले शामिल हैं हेन शुमाकर ये यूनिलीवर के सीईओ बन गए हैं अप्सरा अय्यर ये, ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू पब्लिकेशन की एक तथा पहली महिला अध्यक्षा बन गई हैं अप्सरा अय्यर और इंडियन ओरिजिन की हैं तो इस वजह से और भी इम्पोर्टेंट है तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू पब्लिकेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी ध्यान रखिएगा मैनुएला रोका बोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं श्री अरुण कोहली ये नए हेड बन गए हैं इंडिया में मॉर्गन स्टैनली के मॉर्गन स्टैनली नामक कंपनी के भारत के हेड बन गए हैं अरुण कोहली न्यायाधीश सोनिया गिरिधर गोकानी मुख्य न्यायाधीश बन गई गुजरात हाईकोर्ट की और साथ ही साथ गुजरात हाईकोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है ठीक है इनका नाम है सोनिया श्री गिरिधर गोकानी उसके बाद न्यायाधीश श्री संदीप मेहता मुख्य न्यायाधीश बन गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश जसवंत सिंह मुख्य न्यायाधीश बन गए त्रिपुरा हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री एन कोटीश्वर सिंह ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं तो ये कुछ न्यायाधीश नियुक्त हुए थे राजवीर सिंह रघुवंशी ये भारत के औषधि महानियंत्रक बने हैं ठीक है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फिर पैट नावेल ये फॉर्मर चेयरपर्सन जो नेटो के थे ये बन गए हैं प्रेसिडेंट चेक रिपब्लिक के चेक रिपब्लिक नामक देश के प्रेसिडेंट बन गए हैं इसके बाद राज्यपाल भी कुछ बदले हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक रिटायर्ड किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य झारखंड के सी पी राधाकृष्णन हिमाचल प्रदेश के शिव शिव प्रताप शुक्ला असम के गुलाब चंद्र कटारिया आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नाजीर भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी न्यूज़ में भी आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम जो है नहीं एक बार फिर से मतलब सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी तो प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बास्टर ये बनी है अभी कप्तान है सिर्फ इसी वजह से हमने इनके ब्रांड का नाम इसमें इंक्लूड किया अपॉइंटमेंट में निकोस क्रिस्टो डॉल डोलाइट्स ये नए प्रेसिडेंट बने हैं साइप्रस के एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह अमरप्रीत सिंह ये नए वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स बन गए हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये बाईसवें प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के बाईसवें प्रेसिडेंट बांग्लादेश के लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ये मद्रास हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी है एडिशनल अच्छा मैंने क्यों लिया है ये क्या सभी एडिशनल न्यायाधीश लंड करना जरूरी है ऑब्वियसली नहीं आपको सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ध्यान रखना होता है जो हाई कोर्ट में नियुक्त होते हैं जैसे हमने ऊपर बताया एक्चुअली क्या है सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कुछ लोग चले गए थे इनके अपॉइंटमेंट को रद्द करने को लेकर उन्होंने कहा था कि कुछ हेट स्पीच उन्होंने दी है और वो एडिशनल जज बनने के लिए फिट नहीं है तो ये सब चीज़ें हुई थी फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसरिगार्ड किया था पटिशन को और इनको अलाउ किया था कि ये मद्रास हाई कोर्ट की न्यायाधीश बने एडिशनल एडिशनल जज इंडियन अमेरिकन नील मोहन ये नए सीईओ बन गए के नील मोहन जो है चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हुआ करते थे के की सत्र की अध्यक्ष बनी है रोजिरा कंबोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है ये इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में इस समय श्री एक नाथ सिंधे ये शिवसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं ठीक है मतलब शिवसेना पार्टी के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की अलग से शिवसेना बन गई है काफी यहाँ पे विवाद भी हुआ था इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुँचा तो चुनाव आयोग ने कह दिया भाई कि जो एक नाथ शिंदे वाला गुट है वही असली शिवसेना है और वो अपना धनुष और बाण वाला जो शिवसेना का प्रतीक चिन्ह है मतलब जो उनका चुनाव चिन्ह है बेसिकली उसको रिटेन करेंगे उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी पार्टी को ये चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो शिवसेना का जो ओरिजिनल चुनाव चिन्ह था वो एक नाथ शिंदे के ग्रुप को मिला है उद्धव ठाकरे ने अप्लाई किया था नए चिन्ह के लिए तो उनको जो नया चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है वो है मशाल तो ये ध्यान रखिएगा ऐसा बोल सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है जो उनकी पार्टी है उनको कौन सा चुनाव चिन्ह ने किया है इलेक्शन कमीशन ने तो मशाल ठीक है टॉर्च लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सचिंद्र कुमार ये नए आर्मी डेप्यूटी चीफ बन गए नए थल सेना उप प्रमुख आयुष्मान खुराना इनको यूनिसेफ के द्वारा नेशनल एम्बेडर बनाया गया है चाइल्ड राइट्स के लिए नेशनल फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड यूनिसेफ के द्वारा यूनिस्फ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट पहले ही रह चुके हैं और ये पूछा भी गया था पहले तुलिका रानी ये पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी ब्रांड एम्बेसिडर जो जी ट्वेंटी की समिट्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसकी ये ब्रांड एम्बेसिडर बनी है तुलिका रानी फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट दमावंद पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला भी थी और उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला भी रह चुकी हैं श्री बी वी आर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं ये बन गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के तो परमेश्वरन अय्यर चूंकि अब एग्जीक्यूटिव हाँ, डायरेक्टर बन गए वर्ल्ड बैंक के तो इन्होंने इनको अपना पद छोड़ना पड़ा ऑब्वियस सी बात है तो इनकी जगह आ गए हैं नीति आयोग के सीईओ ओ सुब्रमण्यम वाइस चेयरपर्सन वही रहेंगे नीति आयोग के श्री सुमन बेरी उसके बाद अफशा खान अफशा खान ये भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हैं कन्वीनर बन गए हैं न्यूट्रीशन कैंपेन स्केलिंग अप न्यूट्रीशन मूवमेंट के ठीक है स्केलिंग अप न्यूट्रीशन मूवमेंट जो इनिशिएटिव है इसको पैसठ कंट्रीज और चार इंडियन स्टेट चला रहे हैं मल न्यूट्रिशन को एंड करने के लिए 2030 तक इनको यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अपॉइंट किया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि हमारे सी हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चार साल के लिए जो अकाबा ये नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट बन गए हैं डेविड मालपस इन्होंने रिजाइन कर दिया है वर्ल्ड बैंक के हेड की पोस्ट से तो जो बाइडन ने नाम किसका सुझाया था इनकी इनकी पोस्ट को रिप्लेस करने के लिए अजय पाल सिंह बंगा का अजय पाल सिंह बंगा जुड़े हुए हैं मास्टर कार्ड से और हम लोग कह सकते हैं कि ये लगभग अब हेड करेंगे वर्ल्ड बैंक को तो अजय पाल सिंह बंगा का नाम इंपॉर्टेंट है और बहुत संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड्स पैंसठ में रिकी केज तीसरी बार इनको अवार्ड मिला है रिकी गेज को इनके इनको ये पुरस्कार मिला है अपने डिवाइन टाइड्स नामक एल्बम के लिए बोनी रॉयट को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है उनके सॉन्ग जस्ट लाइक दैट के लिए बैड बनी बेस्ट म्यूजिक अरबाना एल्बम आ, उन वो सिंटी के लिए मिला है हैरी स्टाइल को अवार्ड मिला है बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए तो रिकी कैज का इनाम ज्यादातर ध्यान रखिएगा इनको कब को अवार्ड मिला पहले दो में एक बार ठीक है दो में और अब दो में बियॉन्सी जो सिंगर है इनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड आ चुका है तीस बार ग्रैमी अवार्ड जीतने का आगे है लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अवार्ड मिला है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ग्लोबल बेस्ट एम गाव अवार्ड ये इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा दिया गया था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मिट अभी जो कंडक्ट हुई है उसमें ग्लोबल बेस्ट एम गाव अवार्ड मिला है अनियति तोताला और नील कल्पेश कुमार को ये दोनों आईटी इंदौर के स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग कैटेगरीज हैं इस ग्लोबल एमगाव अवार्ड में एक कैटेगरी में नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार को अवार्ड मिला है ध्यान रखिएगा यूनेस्को पीस प्राइज़ मिला है यूनेस्को के द्वारा एंजिला मार्केल को ये हम पहले बता चुके हैं आपको लेकिन फॉर्मली अभी उन्हें प्राइज दिया गया है जीवन रक्षा पदक ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया जयपाल सिंह सुरेंद्र कुमार बुद्ध राम सैनी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है डॉक्टर दत्तात्रेय और अप्पा साहब धर्माधिकारी को मिला है गोल्डन बुक अवार्ड्स में 40 के करीब बुक्स को अवार्ड मिला गया दिया गया है जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनका नाम एक बार देखेंगे जे के रोलिंग फैंटास्टिक बीच नामक उनकी फिल्म के लिए गौर गोपाल दास मोटिवेशनल स्पीकर है एनर्जाइज योर माइंड उनकी फिल्म के लिए मिला है अश्नीश ग्रोवर आप जानते हैं सभी भारत पे से निकाले गए हैं और अब जो है अपने बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहते हैं तो दोगलापन इनकी जो किताब है उसके लिए अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड की नई किताब हाउ टू लिव योर लाइफ इसके लिए गोल्डन बुक अवार्ड इन्हें मिला है अकबर का कतिल पुरस्कार यह ऑथर एम मुकुंदन को मिला है उनकी किताब समुद्रशिला के लिए समुद्रशिला बाकी तो आप इग्नोर कर सकते हैं पुराने इतना नहीं पुराना पूछा जाता है बस तो ये ध्यान रखिए कि अकबर का कतिल कलक्ल पुरस्कार मिला है एम मुकुंदन को उनकी उपन्यास समुद्रशिला के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार ए बी के प्रसाद जो कि जर्नलिस्ट है उन्हें मिला है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार में कई कैटेगरीज होती हैं जैसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड राज्य को गया है मानस खंड विषय पर आधारित जो उनकी थीम बेस्ड झांकी थी द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य की साढ़े साढ़े तीन शक्तिपीठ एवं नारी शक्ति इसकी थीम थी उत्तर प्रदेश सरकार की जो अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित जो झांकी थी उसे मिला है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मंत्रालय विभाग की तरफ से निकाली जो गई है उसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को मिला है सर्वश्रेष्ठ तो ये ध्यान रख सकते हैं बढ़ते हैं हम लोग आगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना की तरफ से छिहत्तरवां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स या फिर बाफ्टा अवार्ड इसको बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं सर्व्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है या ये फिल्म है ध्यान रखिएगा जर्मन फिल्म है नेटफ्लिक्स पे आई थी इसके बाद सर्व्रेष्ठ अभिनेत्री ये केट ब्लैंकशेट को मिला है इनकी फिल्म टार के लिए टार फिल्म का नाम है ध्यान रखिएगा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर रहे ऑस्टिन बटलर एलविस नामक फिल्म के अभिनेता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर ये डायरेक्टर हैं ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नामक फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री नव नवलनी रही है डैनियल रोहर इसके डायरेक्टर हैं ई बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है एमा e. e. मैके को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट तो नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए भी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और बेस्ट फिल्म भी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो जर्मन फिल्म है इसने बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में और कुल मिलाकर सात कैटेगरीज में अवार्ड जीता है ठीक है इसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार आरआरआर को सर्व्रेष्ठ फिल्म कश्मीर फाइल्स को ठीक है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन के लिए और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है रेखा को इस साल ठीक है ये तरीके से लास्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का होता है ठीक है तो रेखा को इसके बाद आ जाते हैं हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से मिला है आर आर, आर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की के कैटेगरी में बेस्ट एक्शन फिल्म की कैटेगरी में और बेस्ट स्टंट्स की कैटेगरी में और नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नेशनल जोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इंडियन अमेरिकन कार्तिक सुब्रमण्यम को नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा संसद रत्न पुरस्कार प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा दिया जाता है इसमें जो है कई सारे सांसदों को पुरस्कार मिला है जैसे लोकसभा सदस्य हैं विद्युत भरन महतो डॉक्टर सुकांत मजूमदार कुलदीप राय शर्मा डॉक्टर हीन विजय कुमार गावित अधीर रंजन चौधरी ठीक है लीडर ऑफ अपोजिशन गोपाल चिनैया शेट्टी सुधीर गुप्ता अमोल राम सिंह कोल्हे राज्यसभा के सदस्य हैं डॉक्टर जॉन ब्रिटास डॉक्टर मनोज कुमार झा श्रीमती फौजिया तहसान अहमद विशंबर प्रसाद निषाद और श्रीमती छाया वर्ना अब जैसे यहाँ पर बिहार से हैं तो ये भी बीपीएससी वाले नोट करिएगा मनोज कुमार झा जो है राजद से इन्हें सांसद रत्न पुरस्कार इस बार मिला है ये किस से आते हैं एक्चुअली राज्यसभा सांसद हैं तो नहीं पूछा जाएगा तो ये जानिएगा कि मनोज कुमार झा को राजद की तरफ से रा, मतलब राजद पार्टी की तरफ से ये संसद रत्न पुरस्कार इस बार जीते हैं दो का पुरस्कार पाने वाली लोकसभा की संसदीय समिति कौन सी समिति है जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति यानी कमिटी ऑन फाइनेंस राज्यसभा में परिवहन परिवटन और संस्कृति की समिति इसको ये अवार्ड मिला है संसद रतन पुरस्कार में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डॉक्टर के रंगराजन को पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ सी पी आई एम नेता तो ये संसद रंत पुरस्कार होगा इसके अलावा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है नहीं बुक्स एंड ऑथर में कुछ ही बुक्स आई हैं जो इंपॉर्टेंट है जैसे जादू नामा जावेद अख्तर एक सफर ये किताब लिखी है अरविंद मंडलोई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये किताब लिखी है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई ने विक्ट्री सिटी ये नॉवेल लिखी है सलमान रशदी ने और विजयनगर एम्पायर का एक फिक्शनल इन्होंने कह सकते हैं प्लॉट लिया है विजयनगर एम्पायर पर आधारित है विक्ट्री सिटी फिर द क्लाइमेट बुक आई है किसकी है ग्रीटर थुनबर्ग की किताब है इसके बाद इंपॉर्टेंट दे डे डेट्स थीम में वर्ल्ड लिप्रॉसी डे ये उनतीस जनवरी को होता है एक्ट नाउ एंड लिप्रॉसी पर थीम थी शहीद दिवस ये तीस जनवरी को होता है शहीद दिवस एक और मनाया जाता है तेईस मार्च को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी ठीक है तो वो भी शहीदी दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी एक शहीदी दिवस मनाई जाती है वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे ये तीस जनवरी को होता है इकतीसवां नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स फाउंडेशन डे इकतीस जनवरी को और वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक से सात फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे दो फेब को होता है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इस बार थीम थी रामसर कन्वेंशन दो फेब उन्नीस सौ इकहत्तर को अपनाया गया था इसी वजह से वर्ल्ड वेटलैंड डे तब से मनाया जाता है लेकिन पहला वेटलैंड डे मनाया गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे दो फेब उन्नीस सौ सत्तानवे को वर्ल्ड कैंसर डे चार फेब को होता है सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन डे ये पहली बार बनाया गया है ध्यान रखिएगा मतलब तिहत्तरवां है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्ष लेकिन मनाया पहली बार गया है मुख्य अतिथि यहाँ पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मिनन को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के तौर पर ठीक है वर्ल्ड पल्सेस डे ये दस फेब को होता है पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थीम थी नेशनल डिवार्मिंग डे होता है तीस माफ कीजिएगा दस फेबर को वर्ल्ड यूनानी डे होता है ग्यारह फेब को दो सौवीं जयंती महर्षि दयानंद सरस्वती की बारह फेबररी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे बारह फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे तेरह फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस तेरह फरवरी को ही नेशनल वुमेंस डे तेरह फरवरी को ही नेशनल वुमेंस डे किस वुमेन की याद मनाया जाता है ध्यान रखिएगा सरोजरी नायडू की ये जन्म दिवस होता है उसकी याद मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी ये भी ध्यान रखिएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह ये ते, तेरह से सत्रह फेबर को मनाया जाता है करेक्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट्स यूज बार थीम थी इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस कैंसर डे

के आइटम इंक्लूड किए जाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे ये ग्यारह इक्कीस फेब को होता है और सेंट्रल एक्सरसाइज डे चौबीस फेब को होता है इंडो यूएस एस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तारकश ये कहाँ पे हुआ था चेन्नई में पहली बार परमाणु जैव आतंकवादी हमलों के खिलाफ भी अभ्यास किया गया था ये इंपॉर्टेंट है दुनिया का पहला पूर्ण संचालित मानव रहित स्वर्म ड्रोन सिस्टम बेंगलुरु में न्यू स्पेस रिसर्च नामक स्टार्टअप है भारतीय सेना को इन्होंने स्वार्म ड्रोन प्रदान किए हैं जो उच्च घनत वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला एक तरीके से पहला फोर्स होगा भारत का उच्च घनत वाले स्वार्म ड्रोन यानी कि स्वार्म ड्रोन जो है हाई डेंसिटी स्वार्म ड्रोन पहला ऐसा मतलब फोर्स होगा भारत का पहली भारतीय वायुसेना है मतलब ये थल सेना है जो इस तरीके के उच्च घनत वाले स्वार्म ड्रोन्स का प्रयोग करेगी भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन जो है ये इस बार कहाँ पे हुआ है कैंप इमाजू जापान में चौथा भारतीय उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक दस्तलिक जो है छः महीने पहले कहाँ पे हुआ था उज्बेकिस्तान में इस बार हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसमें बताया जा रहा है कि मालाबार अभ्यास होगा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में दो में पहली बार इंडिया ने शामिल किया था ठीक है क्वाड कंट्रीज मालाबार एक्सरसाइज करती हैं तो ये अब होगी दो में अगस्त में कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रही है मालाबार एक्सरसाइज एम के थ्री एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एम के थ्री हेलीकॉप्टर्स जो है समझौता ज्ञापन के अनुसार मॉरिशस को यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं भारत के द्वारा पहली बार दक्षिणी चीन सागर इंडोनेशिया में भारतीय सबमरीन सिंधु केसरी पहुँची है वो भी इतने सारे जो है शस्त्र अस्त्र शस्त्र लेकर के तो साउथ चाइना सी का इलाका चाइना के प्रभुत्व वाला माना जाता है वहाँ पर कभी जो है जनरली हमारे गश्ती पोत वगैरह नहीं जाते हैं पहली बार एक इंडियन सबमरीन वहाँ पर पहुंची है इंद सिंधु केशरी और इन्होंने जो मतलब सिंधु केशरी का जो ये समूह गया था इसने जो लंगर डाला या फिर कह सकते हैं कहाँ पे अपने आप को डॉक किया इंडोनेशिया में जाए साउथ चाइना सी में पहली भारतीय पंडुक जो पहुंची उसका नाम पूछ सकते हैं उसका नाम होगा सिंधु केसरी और कहाँ पे इसने जो है डॉक किया था लैंड किया था इंडोनेशिया में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन ये पहली बार किसे मिला है आई निरीक्षक नामक जहाज को मिला है ये भारतीय नौसेना का पहला ऑन द साइट या ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन ये मिला है ये प्रशस्ति पत्र आई निरीक्षक को आई एन एस निरीक्षक क्या है बेसिकली आई एन एस निरीक्षक एक, एक ये एक डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है ठीक है यानी कि अगर डाइव करना हो समुद्र में किसी भी परिस्थिति में तो उसके लिए काम आएगा ये आई एन एस निरीक्षक भारतीय जहाज आई एन एस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था आईडेक्स और नेवीडेक्स में आईडेक्स क्या है बेसिकली ये है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ये कहाँ पे हुआ था इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ये हुआ था अबू धाबी में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था आई एन एस सुमेधा ने आगे हम लोग बढ़ते हैं रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत नंबर वन पर है स्टेबल जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया गया है भारतीय वायुसेना ने एक अभिनव समाधान डेवलप किया जिससे कि दुश्मन अगर जैमर भी लगा दे तब भी वायुसेना आपस में कोऑर्डिनेट कर सके तो खराब मौसम में भी पायलटों की सहायता करेगा और बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रदान करेगा वायु लिंक वायु लिंक डेटा लिंक संचार भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट का उपयोग करता है जिसे नाविक कहा जाता है इसके बाद आ जाते हैं साइंसटेक पर साइंसटेक में सबसे पहले तीन उपग्रहों के साथ सबसे छोटा अब तक का इसरो का रॉकेट जो है एस एस इसको लॉन्च किया गया है, तीन सेटेलाइट के साथ श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसमें जो तीन रॉकेट है वो कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सबसे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया एस एस एल वी डी वन लॉन्च किया गया था ये डी टू है तो इसमें लॉन्च किया गया है एक ई ओ एस जीरो सेवन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जोनस वन सेटेलाइट और आजादी सैट टू जोनस वन जो है अमेरिका की रक्षा कंपनी ने बनाया है अंतारिस ने आ, आजादी साइड टू चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेट स्पेस किड्स द्वारा तैयार किया गया है और अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट तो इसरो का ही है दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट डेमो फोर विकसित किया गया है ये सुपर मैग्नेट किसने बनाया है ऑक्सफोर्ड में जो टोकमार्क एनर्जी नामक कंपनी है उसने बनाया है ये वर्ल्ड का पहला मतलब विश्व का पहला सुपर मैग्नेट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाया जा सकता है इसको बनाया है टोकमार्क एनर्जी ने मतलब बेसिकली आपसे पूछेंगे वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मार्केट किसने बनाया है तो उसका आंसर आप लगाएंगे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम आगे हम लोग पढ़ते हैं इसरो नासा का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो निसार है इसरो नासा द्वारा निर्मित पृथ्वी प्र, अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार डेवलप किया गया है और इसको लॉन्च किया जाएगा सेप्टेम्बर दो तक जी एस रॉकेट से इसमें नेचुरल कैलिमिटीज की जानकारी इसमें पहले मिल जाएगी निसार का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसके बाद ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अनिविल किया गया है न्यू दिल्ली में आठ फरवरी 2023 को नई दिल्ली में उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यू का अनावरण किया गया है और इसका विकास स्काई एयर ने किया है स्काई एयर नामक स्टार्टअप ने कंपनी ने चैट जीपी काफी चर्चा में था तो एक बार्ड नामक चैट लॉन्च किया है गूगल ने गूगल भी इस गेम में उतर आया है उन्होंने कहा कि हम भी आएंगे भाई चैट जीपीटी जैसा लेकर के बार्ड इनका नाम है मतलब इनके चाट, इनके चैटबॉट का नाम बार्ड है गूगल के चैटबॉट का माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट जो है चैट जीपीटी है मतलब माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज का प्रयोग करता है ये चैट जीपीटी है तो ये ओपन ही ओपन है आई वालों का ठीक है ठीक तो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है ठीक है अगर आपसे पूछें जैसे पूछ सकते हैं बहुत अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ गया कि चैट जीपीटी कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो यूज़ करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ठीक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर लैमडा का इस्तेमाल करता है ध्यान रखिएगा यह नहीं कहीं बताया गया होगा इतनी सारी बकवास में आगे है द मोस्ट पावरफुल रॉकेट सिस्टम स्टारशिप इसको टेस्ट किया अभी। ये है अभी यह स्टारशिप रॉकेट किसका मस्क की कंपनी स्पेस का है तो स्पेस ने टेस्ट किया और जब यह लॉन्च होगा मार्च में करीब दो में तो अब तक के इतिहास में सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट सिस्टम बन जाएगा क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इसको पावर दे रहा हैं इंजन स्टारशिप का वजन करीब 1.50 लाख किलोग्राम होगा तो स्टारशिप जो है किसका है किस कंपनी का है बेसिकली बेसिकलीस का है जो कि मस्क की कंपनी है दुनिया का पहला सेटलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग फीचर क्वालकॉम ने टेस्ट किया है इसमें कह रहे हैं कि एंड्रॉयड फोन में बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप आपातकालीन मैसेज यानी एसओ एस मैसेज और टेक्स्ट भेज सकेंगे और पा भी सकेंगे बिना किसी इंटरनेट के ठीक है भारत ने चैट बी चैट जीपीटी पर आधारित अपना एक मतलब खुद का एक ए लॉन्च किया है जिसका नाम लेक्सी रखा गया है चैट जीपी आधारित भारतीय चैट एक फिनटेक कंपनी ने बनाया है वेलासिटी ने इसको नाम दिया गया है लेक्सी ये चैट जी का भारतीय संस्करण ये लोग इसको कहकर मार्केट कर रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन जो है ये खराब हो गया था उसको फिर से बनाया गया है शेरपाओं वैज्ञानिकों की टीम ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ उनतालीस मीटर नीचे दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से स्थापित कर दिया है और ये जो है अट्ठासी मीटर की ऊंचाई पर है चंद्रयान थ्री मिशन का जो लैंडर टेस्ट है वो पास हो गया है यू आर राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में चंद्रयान थ्री के लैंडर का टेस्ट कर लिया गया है और अब कह रहे हैं कि इसको अपने समय से लॉन्च किया जा सकेगा गगनयान मिशन के लिए जो रिकवरी टेस्ट है वो पूरा कर लिया गया है कोच्ची में भारतीय समुद्र एजेंसी और भारतीय नौसेना के साथ भारतीय नौसेना के चल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा में कर्मी जो कर्मी दल मॉड्यूल है इसने प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति परीक्षण प्राप्त कर लिया है यानी कि वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी जो कोची में है उसमें सर्वाइवल टेस्ट या रिकवरी टेस्ट गगनयान के क्रू ने पास कर लिया है एपीजे अब्दुल कलाम सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन मार्टिन फाउंडेशन नामक एक संस्था इसने शुरू किया है ये स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया जाएगा अब्दुल सेट, अब, अब्दुल कलाम सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से और इसमें क्या है कि बेसिकली छठी से बारहवीं तक के पाँच हज़ार से अधिक छात्रों के अब डेढ़ सौ पिको उपग्रह यानी बहुत जो मिनिएचर सेटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च किया जाएगा इस अब्दुल कलाम सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से मार्टिन फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहा है कि पूरी फंडिंग दी जाएगी जो मतलब जो बडिंग साइंटिस्ट हैं जो अपना एक सेटेलाइट भेजना चाहते हैं छोटे बच्चे उनके सेटेलाइट को भेजा जाएगा ए आई पार्ड पर्सनलाइज न्यूज फीड आर्टिफैक्ट ऐप लॉन्च किया गया है आर्टिफैक्ट ऐप क्या है बेसिकली कि जिन खबरों में आपकी रुझान होती है उसको वहाँ पे शो करेगा ये एक बेसिकली टेक्स्ट वर्जन है टिकटॉक का समझ गए वैसा ये बस स्क्रॉल करते जाओ और विचरीज में सबसे पहले वाणी जयराम ये नहीं रही प्लेबैक सिंगर दो हजार तेईस में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया था ये नहीं रही परवेज मुजर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष जो दो हजार एक से दो हजार आठ तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे थे नहीं रहे तुलसीदास बलराम फॉर्मर फुटबॉलर ये नहीं रहे और पंडित विजय कुमार किचलिव क्लासिकल म्यूजिशियन आगरा घराने के नहीं रहे पद्मश्री से इनको 2018 में सम्मानित किया जा चुका है फेब्रेरी तो मंथ की गवर्नमेंट स्कीम पर आ जाते हैं सबसे पहली स्कीम है नेशन वाइड कैंपेन वन वीक वन लेबोरेट्री चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बेसिकली सी का ये कैंपेन था इसमें वन वीक वन लेबोरेट्री में सी एस की लीगेसी के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार सी एस इनोवेशन करता है किस प्रकार विभिन्न प्रकार के इनोवेशन किए गए बहुत सारे जो कह सकते हैं अनुप्रयोग अस्तित्व में आते रहते हैं वो तो कौन लाता है क्या भूमिका है भारत में सी एस आई आर की या फिर जो है साइंस टेक्नोलॉजी की इसको शोकेस करने का ये प्रोग्राम था ठीक है वन वीक वन लेबोरेटरी अगर हम बात करें तकनीकी शब्दों की तो इसमें साफ तौर पर दिया हुआ है इस प्रोग्राम का उद्देश्य था तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करना ठीक है तो कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं था ये एक शोकेसिंग कैंपेन था ये जो लिगेसी है सी की या फिर हमारे भारत में साइंस टेक्नोलॉजी की उसको शोकेस करना आम जनता को भूमि बचाओ अभियान सेव वेटलैंड कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है इसको कहाँ पे अनाउंस किया गया था गोवा में ठीक है इतना ही पूछ सकते हैं कि इसको कहाँ पे अनाउंस किया गया सेव वेटलैंड कैंपेन को गोवा में और चार फेप को विजिट इंडिया 2023 तो कैंपेन ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इकतीस जनवरी 2023 को भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान की शुरुआत की इसमें एक लोगो ने किया है जो कि नमस्ते की जो इमेज होती है उससे इंस्पायर्ड है दोनों हाथ जोड़े हुए एस टी ई एम एजुकेशन प्रोग्राम ये सोलवे नामक इंस्टीट्यूशन यूनेस्को का है एस टी ई एम का मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इस कार्यक्रम की घोषणा चौबीस तो जनवरी को हुई थी भारत इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के लिए ये एस टी एम प्रोग्राम सॉल्वे यूनेस्को ने चलाया है इसका उद्देश्य है कि एस टी ई एम के माध्यम से किस प्रकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है इसकी तलाश करेंगे और इसकी थीम क्या है सस्टेनेबल लाइफ फॉर अ प्लैनेट आगे है मिस्टी स्कीम इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा ये काफी जो है मतलब चर्चा में आई है जो इस तरीके के नाम होते हैं मिस्टी है जैसे तो इसमें कई सारा लोगों के अंदर क्यूरोसिटी भी होती है इसको जानने की जैसे वित्त मंत्रालय की योजना है एक्चुअली वित्त मंत्रालय की योजना नहीं है इसको बजट स्पीच में अनाउंस किया गया है और वित्त मंत्रालय वाले सेक्शन में पीआईबी में छपा था इस वजह से वित्त मंत्रालय यहाँ पर लिख दिया गया है इसको अभी के लिए डिसरिगार्ड कीजिएगा ठीक है ये बजट स्पीच में अनाउंस की गई है अब इसके क्या इंप्लीकेशन हैं क्या यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके जो डिटेल्स है वो बाद में अभी आएगी तब बताया जाएगा आपको जब बजट का एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाएगा चैनल पर तो बजट स्पीच में स्पीच में इसको अनाउंस किया और इसको कहा गया है कि ये मनरेगा और कैंपा फंड के कन्वर्जेंस से और अदर सोर्सेज से इसको अस्तित्व में लाया जाएगा मनरेगा तो आपको पता चल गया होगा एमजी हो, कैंपा क्या है यहाँ पे तो कैंपा फंड का आशय है यहाँ पर कम्पनसेट्री एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2001 में उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य क्या है भारत के समुद्री तट के साथ साथ लवड़ी भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है ठीक है क्योंकि मैंग्रोव जो है उग जाता है लमड़ीय भूमि पर यह कार्यक्रम तटीय मैंग्रोव वनों के गहन वनीकरण का लक्ष्य रखे हुए हैं मतलब इंटेंसिफिकेशन ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन इसका लक्ष्य है मैंग्रोव को काफी नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज से तो मिस्टी स्कीम बेसिकली मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए है और मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन के लिए है ठीक है तो मिस्टी स्कीम इज एसोसिएटेड विद वॉट तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनीकरण या फिर मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन इसके बाद डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए सोलह सदस्यीय समिति गठन किया गया है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे बस ये ध्यान रखिए इसकी अध्यक्षता करेंगे श्री मनोज गोविल डिजिटल मार्केट में प्रतिस्पर्धा आप देख रहे कितनी बढ़ती जा रही है बताने की जरूरत है नहीं कोई किसी का अधिग्रहण कर ले रहा है कोई किसी का अधिग्रहण कर ले रहा है ठीक है तो इसके लिए एक अलग कानून की आवश्यकता है सरकार भी ये देखना चाहती है कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस ना बाजार में आ जाए डिजिटल मार्केट जो है फेयर रहे ठीक है मोनोपोली वगैरह ना हो इसमें तो इसके लिए ये ड्राफ्ट बनाएगी मनोज गोविल कमेटी और उसी ड्राफ्ट से फिर कानून बनाया जा सकता है आगे सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कई सा, सालों से स्टॉल पड़ा हुआ है मतलब रुका हुआ था तो इसको भी फाइनली कुछ अप्रूवल मिला है अभी क्या है फाइनली ये आपको बताएंगे लेकिन चर्चा में आया था तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ बनेगा हिमाचल प्रदेश में ठीक है और किस रिवर के ऊपर बनेगा सतलज रिवर पर अनाउंसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास योजना ये भी बजट स्पीच में अनाउंस करी गई है तो एक को जो बजट आया था उसमें इसका उद्देश्य क्या है कारीगरों और शिल्पकारों के लिए नई योजना आई है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या शॉर्ट में पीएम विकास इसका उद्देश्य स्किल ट्रेनिंग करना टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता प्रदान करना किसको कारीगरों और शिल्पकारों को ठीक है इतना अभी तक हमको पता होना जरूरी है बाकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा तो इसके बारे में और भी चीजें आपको बता दी जाएंगी इसके बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं इसमें लिखा हुआ है सोनार मूर्तिकार लोहार कु, कुम्हार पारंपरिक कारीगर उठा सकते हैं महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है यूरोपीय व्यापार संघ और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत तीन कार्य समूहों का गठन हुआ है तो ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है इसका हम लोग ऑरिजिन ट्रेस कर सकते हैं यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और वॉन्डर लेन और जब प्रधानमंत्री ने जब विजिट किया था मतलब और वॉन्डर लेन जब भारत यात्रा पर आई थी अप्रैल दो में तब यहाँ पे इसके बारे में बताया गया था कि टी टी से यानी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना होगी मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन जो है एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना करेंगे और आपस में सहयोग करेंगे एक पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लाई है न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने कहा है कि आप पॉलिसी का रिन्यूअल करा सकते हैं अपनी गाड़ी का और जितना कम गाड़ी चली होगी उतना ही कम प्रीमियम आपको रिन्यूअल पे देना होगा यानी पे एज यू ड्राइव जितना आप चलाएंगे उसी हिसाब से फिर प्रीमियम कटेगा ये पहली ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें प्रीमियम जो है ये इस आधार पर होगा कि व्हीकल को यूज़ कितना किया गया है कितने किलोमीटर व्हीकल चला है उस हिसाब से होगा जनरली जो पॉलिसी में होती हैं जो मतलब वाहन बीमा होता है उसमें देखा जाता है कि व्हीकल पुराना कितना है चला कितना है उससे इम्पोर्टेंस नहीं होता है लेकिन ये पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस पॉलिसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अपनी तरह की पहली है एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव किसने शुरू किया है यू फ्रांस और इंडिया ने पैरिस समझौते के अनुरूप आर्थिक प्रौद्योगिक और सामाजिक नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए ये ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया है आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि फ्रांस में जो ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन से देश हैं तो यू है फ्रांस है और इंडिया है तो पैरिस समझौते को लागू करने की बात यहाँ पे कही जा रही है तो पेरिस एग्रीमेंट से कौन जुड़ा हुआ देश है फ्रांस जी ट्वेंटी की अध्यक्षता इस साल कौन कर रहा है भारत है सीओपी ट्वेंटी एट कहां पे होने वाली है ऑब्वियसली यूएई में तो इस तरीके से ये तीनों देश सहयोग करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य को पूरा करने में एक दूसरे का इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर जो पहला एक इसके बीच शुरू की गई यूएस इंडिया के बीच तो एग्जाम में इतना हमको मौका नहीं देते हैं कि पूरा लिख के देंगे कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ पर सिंपली पूछेंगे कि ईटी -E पार्टनरशिप जो है जो कि फेररी मंथ में हुई है दो में वो किन दो देशों के बीच हुई है तो उसका आंसर हमको लगाना है यूएस और इंडिया क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती है जैसे सेमी स्पेस फाइव और टैलेंट एक्सेट्रा जो है ए वगैरह उसमें भारत और यूएस सहयोग करने वाले हैं जल जन अभियान मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ पे लॉन्च किया राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है तो कहाँ से शुरुआत की जल जन अभियान की राजस्थान से किया ध्यान रखिएगा ये जगह का नाम उसमें जरूर पूछ सकते हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान जल जल ज... जन मिशन का उद्देश्य क्या है मोटिवेट करना पीपल की पीपल को कि वो ट्रीज प्लांट करें वाटर कंजर्व करें और वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दें मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस ये इंडिया का इनिशिएटिव है मिलेट्स में अपनी रिसर्च को बढ़ाने का इसमें हैदराबाद में जो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान है इसमें अपना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ प्रदान करेगा इसके बाद न, नमस्ते स्कीम नमस्ते स्कीम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ज्वाइंट इनिशिएटिव है नमस्ते का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको इसी में से पूछ सकते हैं कि भाई आ, नमस्ते में एस क्या है ठीक है तो नेशनल एक्शन फॉर मेकनाइज सैनिटेशन सैनिटेशन इको सिस्टम ये है नमस्ते का फुल फॉर्म इसको लॉन्च किया गया था बजट दो हजार में तो नाम से पता चल रहा है कि एक मेकेनाइज सैनिटेशन इको सिस्टम इनको सृजित करना है जिससे कि अनसेफ सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस जो कि भारत में बहुत समय से प्रचलित हैं और इनकी वजह से तमाम तरीके के जो मतलब सेप्टिक टैंक में काम करने वाले लोग होते हैं तो सफाईकर्मियों उनकी मृत्यु हो चुकी है कई बार हादसे से ठीक है गैस की वजह से और जो है मैनुअल स्केवेंजिंग की वजह से बिना किसी आ, सुरक्षा उपकरणों के नाले में नीचे उतरने की वजह से कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है और प्रॉपर कंपनसेशन तक उनको नहीं मिल पाता है तो सरकार की कोशिश है कि मैकेज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए मशीनों से और बेस्ट आ, कह सकते हैं प्रोटेक्शन के साथ हमारे हेल्थ वर्कर्स या फिर हम लोग कह सकते हैं सैनिटेशन वर्कर काम करें जहाँ पर भी स्केवेंजिंग की जरूरत है मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्वे का इनिशिएटिव है और इसको पुडुचेरी में लॉन्च किया गया था ठीक है यू, यू, पुडुचेरी यूटी में लॉन्च किया गया था इंडो नॉर्वे ओशन इनिशिएटिव के एक भाग के तहत इसको लागू किया जाएगा इसका उद्देश्य है कि मानव गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्रों में एक स्थान आवंटित कर दिया जाएगा जैसे जियो स्पेशल प्लानिंग यही होती है कि मतलब आपको एक जगह प्रदान कर दी जाती है समुद्री स्थानिक योजना संरचना इसको कहा जा रहा है मतलब एक जगह दे दी जाएगी वहाँ पर जो मछुआरे वगैरह हैं या उनके ग्रुप्स हैं कि वो वहाँ पर आर्थिक उद्देश्यों से एक्टिविटी कर सकते हैं कुछ जगह निर्धारित की जाएगी कि यहाँ पर सिर्फ पारिस्थितिकी उद्देश्यों उद्देश्यों से उसका प्रयोग किया जाएगा मरीन क्षेत्रों का उस पर केवल सरकार का दखल होगा इस तरीके से डिवीज़न कर दिया जाता है तो जियो स्पेशल प्लानिंग या मरीन स्पेशल प्लानिंग इसी तरीके से की जाएगी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक मरीन पूरा मतलब कह सकते हैं इलाका है जैसे उसका डिवीज़न कर दिया जाएगा जियो स्पेशल तौर पर कि हाँ इसमें जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इसमें नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी ये सब पीएम प्रणाम स्कीम भी लॉन्च की गई है इसी बजट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस वजह से लिख रहा है क्योंकि बजट स्पीच में इसी सेक्शन में इसको शो किया गया था पीएम प्रणाम स्कीम इसके अंतर्गत नहीं आएगी ध्यान रखिएगा इसको गलत नहीं मानिएगा बस ये मैं लिख रहा हूं कि हाँ बजट स्पीच में चूँकि बजट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले या वित्त मंत्रालय वाले सेक्शन में ही पब्लिश होता है पी में तो इस वजह से यहाँ पर हमारी टीम ने इसको लिखा है पीएम प्रणाम स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी आगे क्लियर कर देंगे हम आपको आगे के मंथ के करंट अफेयर में पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म कई जगह अलग अलग शो कर रहा है लेकिन मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट है वो यही जाना चाहिए पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना ठीक है इस यही है फुल मतलब प्रणाम का फुल फॉर्म प्रमोशन ऑफ आल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर अग्रिक, तो ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर जाहिर सी बात है इसमें हम किस ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा की और हर तरह से हम कमर्शियल फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं ठीक है जिससे कि ग्रीन ग्रोथ प्रमोट हो सके जो कि एक इंपॉर्टेंट पिलर भी है हमारे इस साल के बजट का बार बार ग्रीन ग्रोथ ग्रीन इकोनॉमी की हमने बात कही है ठीक है तो निगेटिव इंपैक्ट ना हो इन्वायरमेंट में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए केमिकल फर्टिलाइजर्स या रासायनिक और उर्वकर और वकों उर्वरकों को एकदम हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसी क्रम में ये पी प्रणाम स्कीम है बजट 2023 की स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया अमृत धरोहर योजना को इसका उद्देश्य क्या है अगले तीन वर्षों में वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करना जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कार्बन स्टॉक इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाना ये उद्देश्य है यानी कि कार्बन स्टॉक बायोडावर्सिटी इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज तो ये भी कहीं ना कहीं सीम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही आने वाली है ऐसी संभावना पूरी है प्रोजेक्ट एलोरा ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने लायक भी है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च जो माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है इसने शुरू किया है जो तीन भाषाएं हैं भारत की जैसे गोंडी मुंडारी और इदू इदू मिशमी मुंडारी गोंडी इस पर शोध कर रहे हैं और इसका कंटेंट बेसिकली ऑनलाइन लाना चाहते हैं गोंडी भाषा एक दक्षिण मध्य द्रविड़ परिवार की भाषा है ठीक है और उर्दू के अलावा गोंडी लिपि ऐसी शायद देश की एकमात्र ऐसी लिपि है जो दाएँ से बाएँ लिखी जाती है तो इसका कंटेंट ऑनलाइन लाना चाहते हैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वाले इस दिशा में इनका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलोरा ठीक है आगे है ऑपरेशन सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना यहाँ पर इंडियन आर्मी का था लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों की मदद करने के लिए चलाया गया था और ऑपरेशन सद्भावना के तहत सात आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है वर्तमान में इन स्कूलों में बाईस से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं राज्य सरकार की योजनाओं में खाली नाम ध्यान रखना जरूरी होता है ठीक है जिस स्टेट में आप हैं तो उसका डिटेल आपको बता होना चाहिए जैसे मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना ये कहाँ की गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की प्रोजेक्ट एस्पिरेशन ये वॉक्सन यूनिवर्सिटी जो है तेलंगाना की उसने चलाया है मतलब तेलंगाना के प्रोजेक्ट है वॉक्सन यूनिवर्सिटी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है ये नौ से बारह कक्षा तक के स्कूलों में तेलंगाना में लागू किया जाएगा बेसिकली उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना इसको जो है मतलब शुरू किया जाएगा इसका उद्घाटन कर दिया गया पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा आपसे सिंपली पूछेंगे नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लगाया गया तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ चंडीगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा अभी तक के लिए ठीक है क्योंकि ये न्यूज है जनवरी चौबीस दो की इसी से मिलती जुलती एक और न्यूज आई थी जो कि काफी काफी जरूरी है नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर बनने जा रहा है हरियाणा में हरियाणा के गोरखपुर गांव में और अगर जिले का नाम पूछ ले तो फतेहाबाद ठीक है गोरखपुर ज्यादा यहाँ पे लाइमलाइट में फतेह फतेहाबाद फते डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है ये जनरली नहीं मेंशन किया गया तो इसको आप नोट डाउन करजिएगा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोरखपुर नामक गांव में एनसीआर से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है सृजित होने जा रहा है इसकी जानकारी दी थी हमारे आ, जो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना ये है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिसीजन जो है कि पी श्री स्कूल स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी ये बताया था कि महाराष्ट्र सरकार अब पी श्री स्कूल स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली महाराष्ट्र की सरकार मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफ़िल योजना ये गवर्नमेंट गौ, ऑफ उत्तराखंड की उन्होंने कहा है कि अंत्योदय कार्ड जिनके पास है उत्तराखंड में उनको फ्री गैस रिफ़िल मिलेगी स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आ जाएंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहले टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट इसको जीता था अनिश गिरी ने ठीक है और उपजेता रहे थे यहाँ पर नदिर बेग अब्दुल सत्तारा उज उज्बेकिस्तान के अनिश गिरी जो भारत से नहीं है ये नीदरलैंड से ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जरूर पूछे जाने की उम्मीद बन रही है ग्रैंड स्लैम रिसेंट वाला जरूर पूछा जाता है ये सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम था और जो है ज़्यादातर वो बाहर हो जाती थी लेकिन उन्होंने मिक्स डबल का ये फाइनल खेला था रोहन बोपन्ना के साथ हालांकि जीत नहीं पाई ठीक है मिक्स डबल जनरली हम लोग लेते हैं न्यूज़ में जोकि सानिया मिर्जा फाइनल में पहुंची इस वजह से इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं मिश्रित युगल में एल स्टेफनी और आर माटोस इनकी जोड़ी से रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी हार गई थी और ये आखिरी टूर्नामेंट मतलब आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था सानिया मिर्जा का खैर वीमेन सिंगल की बात कर लेते हैं महिला एकल जीता था एरिना सेबलंका ने जो कि बेलरूस की प्लेयर है और उपविजेता रही थी यहाँ पर एलि अराय एलिना अरिबाकिना बेसिकली ये होता है ठीक है इसको सही कर लेंगे हम लोग उसके बाद पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच रहे थे सर्बिया के और उप विजेता रहे थे पर स्टेफनो ग्रीस के नोवाक जोकोविच इस टाइटल को जीतने के साथ फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन दस बार जीता है और उनके पास कुल मिलाकर बाईस ग्रैंड स्लैम टाइटल हो चुके हैं अर्लेना सबलिका ने उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है करियर का तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन बड़ा जरूरी है मैंने जानबूझ इस पर स्ट्रेस किया क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है इसके बाद आ जाते हैं बेट्रोनोस मलेशिया बैडमिंटन ओपन पर तो विजेता रहे थे यहाँ पर विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क के और उपजेता रहे थे कोडाई नरा नरो जापान के महिला एकल में अकाने यामागोशी जापान से विनर और उपविजेता अन से यंग दक्षिण कोरिया की ये रनर अप खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को शामिल किया गया था खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फॉर वीमेन जो ये हुआ था इसका एक टूर्नामेंट हुआ था बीकानेर में चौबीस और पच्चीस दिसंबर दो में और दूसरा हुआ था पालोड नाम की जगह पर त्रिवेंद्रम में उनतीस और तीस दिसंबर को ठीक है तो ट्रैक साइक्लिंग को पहली बार एक इवेंट के रूप में खेलो इंडिया वीमेंस टूर्नामेंट में शामिल किया गया था ध्यान रखिएगा उन्नीसवां फीफा क्लब विश्व कप किसने जीता है रियल मैड्रिड ने जो कि स्पेन का फुटबॉल क्लब है इसने जो है किसे हराया था फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब को हरा करके ये रियल मैड्रिड ने उन्नीसवां फीफा क्लब विश्व कप जीत लिया है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था मोरक्को में फर्स्ट इंडियन कैप्टन कैप्टन जिन्होंने तीनों प्रारूपों में टेस्ट क्रिकेट में वनडे क्रिकेट में टी क्रिकेट में सेंचुरी पूरी की उनका नाम है रोहित शर्मा रोहित शर्मा पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट आ, क्रिकेट में सेंचुरी लगाई वनडे क्रिकेट में और टी क्रिकेट में आईसीसी महिला अंडर नाइनटीन टी विश्व कप किसने जीता ये भारत की टीम ने जीता था पहली बार मतलब पहली बार इसका आयोजन ही हुआ था कप्तान शेफाली वर्मा रही थी विजेता इंग्लैंड की टीम रही थी ठीक है इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में फोर्थ केन्या लेडीज यूरोपियन गोल्फ किताब किसने जीता था भारत की गोल्फर आदिति अशोक ने ठीक है भारतीय गोल्फर ने जीता जीता सिर्फ इस वजह से गोल्फ का इवेंट हम शामिल कर रहे हैं करंट अफेयर में फीफा 2026 के बारे में बता दिया गया है इसका आयोजन अमेरिका मेक्सिको कनाडा मिलकर करेंगे पहली बार ऐसा होगा कि एक फुटबॉल विश्व कप में तीन देश पार्टिसिपेट करेंगे मतलब मेजबानी करेंगे होस्ट करेंगे ठीक है 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा इन तीन देशों में 48 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी दो के फीफा फुटबॉल विश्व कप में तानिया बनी जो है डब्ल्यू की सलाहकार डब्ल्यू की एल वीमेंस प्रीमियर लीग जो होने वाली है आई की तर्ज पर उसमें ये सलाहकार यानी कि मिनटोर बनी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की महिला टीम की जिसकी कप्तान है स्मृति मंदाना इसके बाद एन एस सी आई ऑल इंडिया स्नूकर ओपन इसके विजेता रहे थे लक्ष्मण रावत और ऊपर जीता रहे थे यहाँ पर आदित्य मेहता अर्जेंटीना टेनिस ओपन ये हुआ था इसके विजेता रहे थे कॉलरोस ऑलक्रॉस और ऊपर जीता रहे थे कैमरून नॉरी टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है अब नाम हो गया है बेन स्टोक्स के ठीक है बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है दो छक्के लगाए और एक छक्के उनके नाम हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब बेन स्टोक्स के नाम है आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के कौन थे ये भी स्टोक्स ही थे लास्ट करंट अफेयर में मैंने बताया था मंथ में डेढ़ सौ टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली प्लेयर बन गई हैं भारत की महिला टी ट्वेंटी टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हरमनप्रीत कौर तीन हजार रन पूरे करने वाली भारत की पहली और ओवरऑल चौथी महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स दो हजार तेईस इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के आठ शहरों में हुआ था और इसमें महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं ध्यान रखिएगा हरियाणा ने सेकंड नंबर पर पदक जीते हैं फिर मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश भी है इसमें चौदहवें स्थान पर है ठीक है उत्तर प्रदेश राज्यों में चौदहवें स्थान पर है और बिहार इसमें चौबीसवें स्थान पर है यह ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश ने कुल छ छः स्वर्ण पदक जीते बिहार ने जीता यहाँ पर एक स्वर्ण एक रजत पांच कांस कुल मिलाकर सात पदक यूपी ने जीते कुल मिलाकर छत्तीस पदक वर्ल्ड हाइएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ था लद्दाख की पैंगोंग झील में ठीक है पैंगोंग झील में लुकिंग नामक जो गांव है वहां पर इसका आयोजन हुआ था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची जमुई हुई जमी हुई झील पर हाफ मैराथन जो आयोजित हुआ उस रूप में इसको दर्ज किया गया टी महिला क्रिकेट में सौ विकेट लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज कौन बन गई है दीप्ति शर्मा टी इंटरनेशनल क्रिकेट में सौ विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई है और वुमेन्स क्रिकेट में सर्वाधिक टी ट्वेंटी विकेट लेने का रिकॉर्ड यहाँ पर अनीसा मोहम्मद लिखा है लेकिन इसको डिसरिगार्ड कीजिए अब ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है ठीक है वैसे भी सर्वाधिक नहीं ध्यान रखना इसमें खाली ध्यान रखिए कि सौ विकेट लेने वाली पहली वुमेन क्रिकेटर टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच इसमें कौन थी दीप्ति शर्मा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था ठीक है और इसमें सर्वाधिक पदक भी किसने जीते जम्मू कश्मीर ने सेकेंड नंबर पर था इसमें महाराष्ट्र थर्ड पर था हिमाचल प्रदेश और फोर्थ पर था इसमें उत्तराखंड एक्चुअली उत्तराखंड फोर्थ पर नहीं था माफ करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड था सातवें स्थान पर उत्तर प्रदेश इसमें तेईसवें स्थान पर था तो बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर काफ़ी है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में आई एस एस एफ शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था केरो में इजिप्ट में और इसमें ये कुछ हमारे निशानेबाज भाग लेने गए थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और वरुण तोमर रिदम सांगवान वरुण तोमर तिलोत्तमा सेन और अनीश भानवाला अब देखिए इन्होंने क्या जीता ये कई बार इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है आपको बस पता होना चाहिए कि ये सारे हमारे जो प्लेयर हैं वो कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड हैं निशानेबाजी से यानी कि शूटिंग से तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये फलां व्यक्ति किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि ये शूटिंग से एसोसिएटेड है फार्मूला ई चैंपियनशिप भारत में पहली बार ए बी बी एफ आई ए फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन हुसैन सागर झील हैदराबाद में हुआ और दुनिया की पहली ऑल इलेक्ट्रिक एफ आई ए वर्ल्ड चैंपियनशिप ये है मतलब सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इसमें भाग लिया था तो इसमें सिर्फ यह याद रखिएगा कि इंडिया फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग ये कहाँ पर हुई आयोजित हैदराबाद में रणजी क्रिकेट ट्रॉफी की बात कर लें दो हजार बाईस तेईस के इवेंट की तो कोलकाता के ईडन गार्डन में फाइनल हुआ था सौराष्ट्र की टीम ने बंगाल को हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है एयर थिंग्स चेस मास्टर्स का आयोजन हुआ था इसके विजेता रहे थे मैगनेस कार्लसन नॉर्वे के और उप विजेता यहाँ पर रहे थे हिकारू नाकामुरा अमेरिका के एफ आई एच मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप फाइनली खत्म हुआ और अब जर्मनी ने बेल्जियम को फाइनल में तीन तीन से बराबर होने के बाद शूटआउट में पांच चार से हराया था और पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है जिन्होंने चार बार ये आपकी हॉकी विश्व कप जीता हुआ है भारत विश्व कप में नवे स्थान पर रहा इस बार भारत ने एक ही बार जो है हॉकी विश्व कप जीता है उन्नीस में इसका आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला ओडिशा में हुआ था बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम भी कहा जा रहा है तो इसमें फाइनल खेला गया था और जर्मनी यहाँ पर विजेता रही ओवरऑल टूर्नामेंट की तो आपसे पूछ सकते हैं एफ आई एच मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भारत में दो हजार तेईस में उसको किसने जीता जर्मनी ने फाइनल में कौन गया था बेल्जियम आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर समिट्स पर आ जाते हैं समिट्स में बी ट्वेंटी या बिजनेस ट्वेंटी इसका आयोजन हुआ था इम्फाल मणिपुर में विषय यहाँ पर था सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेररी मंथ की ज़्यादातर समिट इंडिया में जो जी ट्वेंटी समिट के भाग के रूप में जो हो रही समिट है वो हैं और बहुत ध्यान से इनके लोकेशंस नोट करिएगा क्योंकि ये बड़े बड़े शहरों में आयोजित नहीं हो रही हैं जैसे इम्फाल मणिपुर में बी ट्वेंटी हुई आ, फिर जो है एक समिट वुमेन एम्पामेंट फिर फिर लखनऊ में भी हुई थी उसके अलावा कई सारी समिट इंदौर में खजुराहो तक में यहाँ पे हो रही हैं तो शहर के नाम आपको ध्यान देना ज़रूरी है वही एग्जाम में जरूरी रहेंगे जब हम करंट अफेयर का रिविज़न कराएंगे आपको तो सारी जी के साइड इवेंट्स को एक साथ नोट करके आपको बता दिया जाएगा संघाई सहयोग संगठन एस के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रमुखों की छठी बैठक इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था छह से आठ फेफ्ट के बीच एस कंट्रीज के अलावा जो कजाकिस्तान है जैसे ताजिकिस्तान है किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान यहाँ पर जो शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थान है ऑडिट इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रमुख और डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया था लखनऊ में फिर इंडिया एनर्जी वीक मनाया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था पीएम मोदी जी ने ई ट्वेंटी को लॉन्च किया था जो इथेनॉल मिश्रित फ्यूल है हमारा ये जिसमें अस्सी परसेंट पेट्रोल है ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल है उसको लॉन्च किया और इसमें कहा है कि हम टोटल जितना भी फ्यूल भारत में मतलब जो खरीदा बेचा जा रहा है रिटेल किया जा रहा है उसमें ट्वेंटी परसेंट इथेलॉल ब्लैंडिंग का टारगेट पूरा करने चाहते हैं दो हज़ार पच्चीस कैंड तक पहले टारगेट अधिक के लिए था अब इसको घटाया गया है फिर प्रधानमंत्री जो कि कर्नाटक यात्रा पर थे उन्होंने एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो एच ए एल की है हिंदुस्तान एर्योनॉटिक्स लिमिटेड की तुमकारू कर्नाटक में इसको भी इनग्रेट किया और ये इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या फिर प्लांट इसको बताया जा रहा है जो कि टुमकारु कर्नाटक में पीएम मोदी जी ने अभी लॉन्च किया है या फिर इसका इनग्रेशन किया है एरो इंडिया शो के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये लंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में हर बार होता है इस बार इसकी थीम थी द रन वे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज अस्सी से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया पचहत्तर हजार करोड़ रुपए के करीब दो सौ इक्यावन एमओयू साइन हुए विभिन्न देशों की कंपनियों के साथ भारत के एक निजी कंपनी द्वारा पहले यात्री विमान के निर्माण और संयोजन हेतु गोपालन एरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और चेक गणराज्य के ओमनी पोल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं एक हाईलाइट है और समारोह में भारत ने वर्ष दो हजार में अपने रक्षा पूंजी का पचहत्तर घरेलू खरीद पर खर्च करने का निर्णय यहाँ पे किया है तो ये हो गया एरो शो बस इतनी डिटेल्स यहाँ पर सफिशियंट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मिलेट्स एंड और ऑर्गेनिक्स इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में वासनी बेंगलुरु में तीसवां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इसका आयोजन हुआ अहमदाबाद गुजरात में गुजरात चौथी बार कुल मिलाकर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन यहाँ पे करने जा रहा है नेशनल साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था जल्दी से आप कमेंट करके बताइए छियालीसवां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में आयोजित हुआ इसका थीम देश स्पेन रहा दूसरी बार है जब थीम देश जो है स्पेन रहा कोलकाता पुस्तक मेले में एक, एक स्पेनिश बंगाली फुटबॉल डिक्शनरी को लॉन्च किया गया है जिसमें स्पेनिश फुटबॉल लीग्स में जो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं उनका यहाँ पे विवरण दिया गया है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में आयोजित होगा और उसका थीम देश कौन होगा भारत होगा जैसे भारत ने स्पेन का सम्मान किया इनको दो बार अपने यहाँ के इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में थीम कंट्री बनाकर मैड्रिड स्पेन में जब अंतर्राष्ट्रीय बुक मेला लगेगा 2025 का तो उसमें वो लोग एज अ जस्चर ऑफ रिटर्न भारत को थीम कंट्री बनाएंगे दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस इसका आयोजन हुआ था कटक में कटक में आईकार का नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम बेस्ड फाउंडेशन ऑफ वैल्यू ओरियंटेड सोसाइटी वेमन फाउंडेशन ऑफ वैल्यू ओरटेड सोसाइटी वेमेन पर यह नेशनल कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी इसको इनोग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने तो इतना यहाँ पर ध्यान रखिए जी ट्वेंटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीट यहाँ पे हुई चंडीगढ़ में ठीक है अब गेस्ट करना आसान है चंडीगढ़ अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है तो जी ट्वेंटी की मीट कहाँ पर हुई चंडीगढ़ में फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ ट्वेंटी पार्टनरशिप ये कहाँ पर हुई गुवाहाटी असम में फर्स्ट मॉडल जी ट्वेंटी समिट ठीक है मॉडल जी ट्वेंटी समिट का आयोजन हुआ था मुंबई में भारत के जी ट्वेंटी शेरपा जो है अमिताभ कांत इन्होंने इनग्रेट किया था इसको टेंथ बिमस्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप काउंटर टेररिज्म और ट्रांजिशनल क्राइम पर यह हुआ था न्यू डेली में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ था दुबई यू में और शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इस बार इसकी थीम थी दुबई में हर साल होता है मंथ में खादी उत्सव ये मुंबई मनाया गया था इसके बाद वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लॉ कॉन्फ्रेंस ये टोरेंटो कनाडा में हुआ था जी ट्वेंटी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी तिरुनंतपुरम केरल में बारहवां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस या विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था नाडी नामक जगह पर फिजी में हज़ार अठारह में मॉरिशस में आयोजित हुआ था और फिर ये अनाउंस हुआ था कि बारहवां संस्करण जो होगा वो फिजी में होगा इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया फिजी के राष्ट्रपति रातू विलिमे कोटनिविरे ने और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तो वेन्यू भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट है इसमें कि बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ फिजी में मॉरिशस भी ऑप्शन में होगा कन्फ्यूज नहीं होइएगा उसमें सेवंथ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग यह हुआ था पुणे में इसका मेन जो थीम था वो था भू अर्थशास्त्र यानी कि जियो इकोनॉमिक्स इसमें ब्राजील अमेरिका ब्रिटेन साउथ अफ्रीका भूटान मालदीव स्विट्जरलैंड सिंगापुर मैक्सिको समेत चवालीस से अधिक देशों के वक्ताओं ने भाग लिया था इसमें जी ट्वेंटी वुमेन एम्पावरमेंट की मीटी हुई थी आगरा में मैंने लखनऊ बोल दिया शायद माफ कीजिएगा पीएम गति शक्ति वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन इसका आयोजन हुआ था गोवा में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में धारा 2023 रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक पुणे में हुई थी इसकी थीम थी या फिर कह सकते हैं धरा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है ड्राइविंग हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स और अधरा को ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जी ट्वेंटी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप इसकी मीट हुई थी गुवाहाटी असम में सतत वित्त कार्य समूह की पहली बैठक गुवाहाटी असम में इलेक्ट्रामा दो का आयोजन हुआ था यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रामा नहीं एक्चुअली यहाँ पे जो सही जो स्पेलिंग है वो है इलेक्ट्रामा इलेक्ट्रामा नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में दूसरा वैश्विक हैकाथन हारबिंजर यह हारबिजर हैथन जो है किसने ऑर्गेनाइज और, किया रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक का ये मतलब ये दूसरा हैथन है इसका जो थीम है वो है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज जी ट्वेंटी के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन हुआ था रण ऑफ कक्ष गुजरात में नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन अमृत पैक्स का आयोजन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ज्यादातर कार्यक्रम इसमें वर्चुअल तौर पर हुए थे सेंट्रल जोनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की मीट हुई थी देहरादून उत्तराखंड में गर्लफूड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसका था यूए में बायो एशिया का आयोजन हर बार हैदराबाद में होता है यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का आयोजन हुआ था जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था इससे पूर्व 2006 में 2015 में आरपीएफ ने विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी की हुई है कृषि दर्शन एक्सपो 2023 हजार तेईस इसका आयोजन हुआ था हिसार हरियाणा में जी ट्वेंटी कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी ये हुई थी पहली खजुराहो मध्य प्रदेश में इसकी दूसरी बैठक भुवनेश्वर में होगी तीसरी होगी हम्पी में फिर जी ट्वेंटी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीट हुई मीट ये कहाँ पर हुई थी बेंगलुरु में और इसके दूसरे संस्करण की बैठक कहाँ पर प्रस्तावित है मार्च में गांधीनगर गुजरात में नेशनल लेवल है भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर हुआ था उसका क्या नाम है उसका नाम है कवच ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है ट्वेंटी साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था जी ट्वेंटी के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक और जी ट्वेंटी के वित्त वित्त एवं केंद्रीय उप प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक इन दोनों का आयोजन हुआ कहा जी ट्वेंटी अध्यक्षता वाली कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था इंदौर में और जी ट्वेंटी रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन हुआ था जोधपुर में आ जाएंगे हम लोग रैंक्स रिपोर्ट्स और इंडेक्स पर सबसे पहला है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 का ब्रांड फाइनेंस का है ब्रांड फाइनेंस के ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में टॉप पर हैं जेनसन हुआंग पर है मुकेश अंबानी भारतीय शीर्ष पर माने जाएंगे ये थर्ड पर शांतनु नारायण फोर्थ पर सुंदर पिक्चई फिफ्थ पर शिक्षा के लिए राज्यों द्वारा आवंटित सर्वाधिक बजट के मामले में ये आंकड़ा आया है केंद्र सरकार ने शिक्षा पर चवालीस करोड़ रुपए आवंटित किए यानी कुल बजट का करीब सोलह दशमलव एक फीसदी बजट वगैरह का अलग से वीडियो आएगा उसमें सब आंकड़े बताए जाएंगे पिछले वर्ष की तुलना में आठ परसेंट अधिक है राज्यों द्वारा शिक्षा पर कितना कितना अपने बजट का व्यय किया जाता है इसके बारे में है तो दिल्ली अपने बजट का इक्कीस एक, दशमलव आठ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है ऑब्वियस बात है कि दिल्ली सरकार को बहुत अधिक खर्च करना नहीं होता है अन्य खर्चों पर जैसे प्रशासन एक्सेट्रा दिल्ली को वैसे भी एक ग्लोरिफाइड म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है तो इसमें जाहिर सी बात है दिल्ली कर सकती है क्योंकि उनका काफ़ी सारा फंड बच ही जाता है अन्य खर्चे हैं नहीं ज्यादा दिल्ली के पास असम करीब बीस खर्च करता है हिमाचल प्रदेश अपने बजट का अठारह दशमलव आठ प्रतिशत करता है छत्तीसगढ़ अठारह दशमलव आठ प्रतिशत करता है बिहार अठारह दशमलव तीन प्रतिशत खर्च करता है ठीक है इसके बाद ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग आई थी मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा तो लीडरशिप अप्रूवल यानी कि कह सकते हैं पॉपुलर कौन है तो लीडरशिप अप्रूवल में टॉप पर भारत के पी एम फिर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रोडोर हैं फिर एलिन बर्सेट हैं ये टॉप थ्री हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं पच्चीसवीं वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट आई है फॉर्चून की टॉप पर है माइक्रोसॉफ्ट से, 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 से टीसीएस को इस सूची में शामिल किया गया है जेनविन इम्पैक्ट नामक पेड एथलीट्स की सूची निकाली है इनके अनुसार हाइस्ट पेड एथलीट है पूरे विश्व लियोनल मेसी फिर है लेब्रोन जेम्स और फिर क्रिस्ो रोनाल्डो मानवता स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के मामले में टॉप पर इन्होंने रखा है स्विट्जरलैंड को फिर न्यूजीलैंड को फिर एस्टोनिया को और निम्नतम देश की सूची में इन्होंने वेनेजुएला को रखा है भारत को इन्होंने एक स्थान दिया है नेपाल में ज़्यादा इन्होंने बताया है प्रेस फ्रीडम को भूटान में श्रीलंका में बांग्लादेश में इवन पाकिस्तान में और चाइना में आप सपोजिटली देखिए चाइना में जो है इन्होंने एक नंबर पर रखा है जबकि आप देख रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है चाइना में तो कैटो फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है एक सौ ये ध्यान रखना है और टॉप पर कौन है स्विट्जरलैंड है टेंथ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ जाता है यहाँ पर फरवरी मार्च में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा ये दिया जाता है टॉप पर इन्होंने फिनलैंड को रखा है लगातार पाँच वर्ष से फिनलैंड टॉप पर है और फिर डेनमार्क सेकंड पर फिर आइसलैंड थर्ड पर भारत को इन्होंने एक स्थान दिया है और हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे खराब इन्होंने माना है कहाँ पे है अफगानिस्तान में एक सौ नंबर पर रखा गया है इसके बाद स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स स्विस एयर के द्वारा एयर ट्रैकिंग इंडेक्स आया है इनके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर पूरे विश्व का है लाहौर फिर सेकंड मुंबई पर मुंबई को इन्होंने रखा है विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर फिर तीसरा इन्होंने रखा है काबुल अफगानिस्तान एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट आई है प्रोजेक्ट थर्टी नाइन है की सर्वाधिक मृत्युदंड पाने वाले शीर्ष राज मृत्युदंड पाने वाले शीर्ष राज्य का आशय है कि किस राज्य में सर्वाधिक मृत्युदंड लोगों को मिला है तो उत्तर प्रदेश में सौ मृत्युदंड ठीक है 2022 में गुजरात में इकसठ झारखंड में छियालीस महाराष्ट्र में उनतालीस और मध्य प्रदेश में इकतीस ज्यादातर केसेस में मृत्युदंड पॉक्सो एक्ट के तहत दिया गया क्योंकि पॉक्सो में ही जो है इसमें मृत्यु की सज़ा का प्रावधान है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में मौत की सजा तक का प्रावधान है इसमें तो जिसमें जो है यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई के दौरान दोषियों को सजा यहाँ पे बोली गई थी मृत्युदंड की आगे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पहले का, काफ़ी पूछा जाता था आजकल नहीं पूछा जा रहा है टॉप पर डेनमार्क है फिर फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से सेकेंड पर है फोर्थ पर है यहाँ पर नॉर्वे अंतिम देश इसमें सोमालिया है भारत का स्थान इसमें पचासीवां है ध्यान रखिएगा बस इतना ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी है आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन दो हज़ार की रिपोर्ट आई है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटा के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है ऑब्वियसली भारत है सेकंड पर है यूएस और फिर थर्ड पर चाइना और शीर्ष तीन दुग्ध उत्पादक राज्य कौन से हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश पूरे वर्ल्ड में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका करीब चौबीस परसेंट आता है भारत से ये यहाँ पे बताया गया था रिपोर्ट में टॉम टॉम का ये ट्रैफिक इंडेक्स आता है कि ट्रैफिक किस शहर में सबसे ज़्यादा है तो लंदन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है सेकेंड पर बेंगलुरु है थर्ड पर डब्लिन है उसके बाद साठ मतदाताओं को आधार से जोड़ा जा चुका है आर के अनुसार ये जानकारी आई थी कि त्रिपुरा में सर्वाधिक ऐसे मतदाता है जिन्होंने अपने एपिक कार्ड को आधार से लिंक किया है फिर लक्षद्वीप फिर मध्य प्रदेश आधार लिंकिंग के मामले में सबसे खराब राज्य कौन सा है गुजरात फिर डेली

मतलब कुल मिलाकर जर्मनी के ये है सब कुछ तो इन्होंने ऑब्वियसली बात है इस फॉर्म ने ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टॉप पर रखा है जर्मनी को फिर चाइना को फिर अमेरिका को अंतिम देश इन्होंने तिमोर लिस्ते को रखा है जो कि एक अनडेवलप्ड कंट्री है और दसवें स्थान पर इन्होंने भारत को रखा है आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे है एशिया में ऊर्जा खपत पर रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की इनके अनुसार एशिया 2025 तक विश्व की आधी बिजली का उपयोग करेगा और अफ्रीका में ऑब्वियसली बात है बड़ा होने के बावजूद ज्यादा देश होने के बावजूद बिजली खपत अभी भी कम रहेगी और एशिया में सबसे ज़्यादा बिजली खपत कहाँ पर होगी चाइना में होगी एशिया की कुल बिजली खपत का तैंतीस प्रतिशत तो चाइना ही खर्च कर लेगा चीन अमेरिका अमेरिका यूरोपीय संघ और भारत तीनों द्वारा खर्च की जाने वाली कुल बिजली खपत से अधिक बिजली खर्च करेगा ठीक है चाइना में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट ये क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा लाई गई है इनके अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित नौ भारतीय राज्य आठ तरीके के जलवायु परिवर्तन के खतरे में जो है इस समय हैं जलवायु संबंधी खतरे में सबसे अधिक राज्यों के साथ भारत चीन के भारत के बाद चीन का स्थान है मतलब भारत के सर्वाधिक राज्य जलवायु खतरे में है और उसके बाद चीन के राज्य जलवायु खतरे में है नौ भारतीय राज्यों में बिहार का बाईसवाँ स्थान है नौ भारतीय राज्य जो कि मतलब भारत से जलवायु खतरे में शामिल है ओवरऑल वर्ल्ड में इन राज्यों में से बिहार का स्थान बाईसवाँ है उत्तर प्रदेश का पच्चीसवाँ असम का अट्ठाइसवां ऐसे करके दिया गया है आप बस ये ध्यान रखिए कि मतलब भारत के कौन कौन से राज्य आठ तरीके के जलवायु खतरे में हैं तो वो कौन कौन से हैं वो हैं आपके बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब ये कुछ राज्य हैं इनका नाम ध्यान रख सकते हैं और कौन कौन से हैं असम राजस्थान तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात केरल भी है इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड एडवांस एस्टीमेट आया है और इसमें सेकंड और थर्ड एडवांस एस्ट एस्टीमेट फोर्थ तक आता है आप खाली खाद्यान्न का एक बार जरूर ध्यान रख सकते हैं बाकी ना भी याद रहे तो खाद्यान्न उत्पादन जो है सेकंड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार रहा है यहाँ पर बत्तीस तो लाख टन और ये हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ देता है अगली बार ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से आई है तो बीस सूत्री कार्यक्रम जो है इरेडिकेट करने के लिए लाया गया था काफ़ी पहले इसको अभी भी रन किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने उन्नीस हज़ार करोड़ रुपए एक बार फिर से इसमें एलोकेट किए हैं अपने इस साल के बजट में हमारे एग्जाम के लिए इसका अध्यतन नहीं रेलिवेंट है इसका पास्ट रेलिवेंट है ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम को सबसे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उन्नीस में जारी किया था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में सबसे पहले इसको जारी किया गया था फिर बाद में कई बार रिस्ट्रक्चर किया गया अंतिम बार इसको रिस्ट्रक्चर किया गया मॉडर्न रूप में एक अप्रैल 2007 को और तब से अभी भी ये पॉइंट मतलब ये 20 पॉइंट प्रोग्राम रन कर रहा है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन की इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु मध्य प्रदेश कर्नाटक राजस्थान की टॉप सिक्स स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर्स स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर के मामले में टॉप थ्री कौन से हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु ये आपको याद होना चाहिए उसके बाद कह रहे हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक फिर उत्तर प्रदेश में सेकंड फिर गुजरात थर्ड ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ के मामले में टॉप पर हैं सर्वाधिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है राजस्थान में फिर कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में फिर गुजरात में टॉप थ्री स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस सबसे ज़्यादा कॉलेजेस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में फिर महाराष्ट्र में फिर कर्नाटक में ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वैसे रिपोर्ट बहुत बड़ी है पूरी नहीं पढ़नी है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आर जारी करता है और बेस ईयर कौन सा लिया जाता है इसमें दो का क्योंकि यहीं से जो है डिजिटल पेमेंट ज्यादा बूस्ट होना शुरू हुए थे टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के बारे में बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेसकॉम के द्वारा जारी किया गया है इसमें कहा गया भारत वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक्स स्टार्टअप इको बन गया है डिफेंस कंपनियों के डेटा में जो सेंध लग रही है ये मतलब सेंध लगाई जा रही है उत्तर कोरिया के द्वारा यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट जारी की है इसमें कहा गया कि कोरिया के हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी की चोरी की है और विदेशी एरोस्पेस कंपनियों के नेटवर्क को भी टारगेट किया है और नॉर्थ कोरिया कुल मिलाकर स्पॉन्सर्ड तरीके से डेटा चुरा रहा है यह रिपोर्ट आई थी जो है यूनाइटेड नेशंस की ऐसे आपसे पूछेंगे यूनाइटेड नेशंस की जो डेटा ब्रीचिंग रिपोर्ट आई थी इनके अनुसार कौन डेटा चोरी कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरीवेटिव एक्सचेंज रिपोर्ट आई है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज में शीर्ष स्थान इसने पाया है बस तो इतना ज़रूरी है हम लोग आ जाएगा एम सी सेक्शन पर भारत और पाकिस्तान सरकार के मध्य सिंधु जल संधि जो 2060 में हस्ताक्षरित की गई थी इसके संबंध में भारत ने किस या किन जल विद्युत परियोजनाओं के कारण पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है तो जो वोन ऑफ कंटेंशन है वो है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चिनाब पर और जो किशन गंगा है उसको लेकर डिस्प्यूट है तो उसको लेकर नोटिस भेजा गया है अभी भारत के द्वारा जो हिंदूस वाटर ट्रीटी है उसके तहत ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि मोर देन वन ऑफ द वो आगे हम लोग बढ़ते हैं जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने किस देश के आई एस आई एल एस ई ए को आतंकी संगठन घोषित किया है तो आई एस आई एल एस ई ए को आतंकी संगठन जो है ये कहाँ का है इराक का इसको घोषित किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है इसमें दो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है कि जे एंड के जम्मू कश्मीर पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने पचहत्तर अमृत सरोवर हर जिले में अपने कंप्लीट कर लिए हैं जो टारगेट था अमृत सरोवर का कि मतलब प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले में पचहत्तर अमृत सरोवरों का सृजन किया जाए तो इसने पूरा कर लिया है उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर ही वो पहला राज्य है या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड स्टेट है कंट्री का जिसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर जो है कंट्री में सृजित कर लिए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी वन एंड टू बोथ करेक्ट सर्वाधिक अमृत सरोवर कहाँ पर सृजित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में जो पहला अमृत सरोवर है वो वो कहाँ पर सृजित किया गया था वो शुरू किया गया था या फिर इनाग्रेट किया गया था पटवाई ग्राम पटवाई ग्राम रामपुर उत्तर प्रदेश में रामपुर यूपी में पटवाई विलेज में इस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक जनवरी दो को एक करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष शुरू किया था सुखाश्रय सहायता को जो जितने भी कांग्रेस एमएलए हैं जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है उसके एम अपनी पहली सैलरी जो इस फंड में कंट्रीब्यूट करने वाले थे तो सुखाश्रय सहायता कोष किसने किया है हिमाचल प्रदेश ने ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उच्च क्षमता वाला परव सोलर सेल विकसित किया है ये जो आपका पेरोक्साइड सोलर सेल है ये हाई एफिशिएंसी वाला होता है नॉर्मल सेल की तुलना में मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन किसने शुरू किया है हनी बीज के लिए यूएस ने ध्यान रखिएगा और मधुमक्खियों की जो वहाँ पर फुल ब्रूड बैक्टीरियल डिसीज से मृत्यु हो रही थी उसको मतलब उससे मक्खियों को बचाने के लिए यूएस में शुरू किया गया है वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज तो सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही है दोनों कथन सही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एमएसएमई विक्रेताओं से सर्वाधिक खरीद खरीद की है तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सर्वाधिक खरीद की है और रक्षा मंत्रालय का जैसे उद्देश्य है बार बार कि मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर बनाना और यहीं के लोगों से खरीदना तो ऑप्शन नंबर ए सही है स्टेट्स के मामले में बात कर लें तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पर प्रोक्योर किया जी के थ्रू उत्तर प्रदेश ने सारे स्टेट्स में से सर्वाधिक खरीद की है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जी या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कब शुरू किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2016 ठीक है कई बार पुरानी चीजें पूछ लेते हैं तो आपको पुराने नए दोनों से अप टू डेट रहना पड़ता है तेईस से चौबीस जनवरी को जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व कार्यक्रम मिलिट्री टैटू का आयोजन जो है किस स्टेडियम में कि किया गया था तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू डेली में ये सारे इवेंट्स का आयोजन हुआ था सी कोलकाता के जोका में राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है और जो ये राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र है इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन रख दिया गया है इसके बाद इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है जो का डायमंड हार्बर कोलकाता वेस्ट बंगाल में सही और ये इंस्टीट्यूट है इनोग्रेट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा दिसंबर 2022 में तो ये भी हमने कराया था आंसर सही हो जाएगा इसमें डी सारे कथन सही हैं डी गोवा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पर ऑप्शन नंबर सी मनोहर परिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कहलाएगा गोवा में ताड़ के पत्तों से बने दुनिया के पहले मेनुस्क्रिप्ट या पांडुलिपि संग्रहालय के बारे में कौन सा कथन सही है ठीक है तो इसमें है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संग्रहालय को स्थापित किया गया है सही इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावण कोर की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है ठीक है ये भी सही और ये म्यूजियम जो है तीन सौ ईयर ओल्ड बिल्डिंग में बनाया गया है तो आंसर सही हो जाएगा सी सारे कथन यहाँ पे सही है निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हाल ही में पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है कंट्री का जिसने दस हज़ार एम को अपने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है ठीक है दस हज़ार एम को रजिस्टर करने वाला पहला जिला बना है एर्नाकुलम केरल का ऑप्शन नंबर डी एर्नाकुलम अगला है हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है ये बहुत ज़रूरी है तो यह है केरल का हाईकोर्ट केलर केरल के हाईकोर्ट ने मलयालम में जो है जजमेंट पब्लिश किया ठीक है क्योंकि लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट इंग्लिश है आपको पता है तो मलयालम में पब्लिश करके ये पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया जिसने इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेज में भी अपना जजमेंट पब्लिश किया निम्नलिखित में से कौन सा सही है अठारह जनवरी दो को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक एक संकल्प अपनाया गया भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव लोकतंत्र की मजबूती के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है ठीक है उसके बाद पांच जनवरी दो जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ जो कि लश्कर तयबो का तैयबा का एक कह सकते हैं फ्रंट है उसको एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है या फिर कह सकते हैं उसको बैन कर दिया है तो दोनों कथन सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है सी वन एंड टू बोथ करेक्ट जनवरी 2023 में अब्दुल रहमान मक्की जो कि डिप्टी चीफ है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर का उसको भी एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है इसी से एसोसिएटेड भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में क्या सही है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की पुण्यतिथि एक फेबर दो को मनाई जाती है ठीक कल्पना चावला का जन्म हुआ था सत्रह मार्च उन्नीस में करनाल हरियाणा में ये इन्होंने अपना करियर नासा में शुरू किया था 1988 में और यूएस सिटीजनशिप इन्होंने हासिल की थी अप्रैल उन्नीस में आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी सारे कथन यहाँ पर सही हैं जीएसटी कलेक्शन के, के बारे में कई बार रि, रिपोर्ट्स आती हैं जनवरी 2023 में जीएसटी कलेक्शन एक लाख पचपन मतलब एक दशमलव पाँच पाँच लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया था और दूसरा अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है अप्रैल मन दो में जीएसटी की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया था तीसरी बार है जब जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया इसने जनवरी में तो आंसर सही हो जाएगा डी सारे कथन पर सही है जीएसटी के बारे में डी जनवरी दो में अमेरिकी संसद ने निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का जो दर्जा प्राप्त था उसको रद्द कर दिया है ठीक है तो ये किया है पाकिस्तान जो कि यूएस का एक मेजर नॉन नेटो पार्टनर था अब वो नहीं रहा है तो आंसर सही हो जाएगा इसमें बी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के बारे में बताना क्या सही है इसमें तेजस पहली बार पार्टिसिपेट करने वाला है सही और इसको कहाँ पे होना है ये यूएई में होगा मार्च में सही और इसका एम जो है ये सब है कि एयर फोर्सेस को पार्टिसिपेट करके बेस्ट प्रेक्टिस सीखना ये भी सही आंसर सही हो जाएगा डी इसमें कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब कौन कौन से कंट्रीज़ के एयरफोर्स यू ई फ्रांस कुवैत ऑस्ट्रेलिया यू बहरीन मोरक्को स्पेन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यू छेरछेरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है छेरछेरा महोत्सव है एक रीजनल फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का जब फार्मर अपनी फसल काट करके घर ले जाते हैं तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है वहाँ पे छेरछेरा डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन के बारे में क्या सही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया या फिर इसकी शुरुआत की सही इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया के बारे में जागरूकता सृजित करना और जी ट्वेंटी वर्किंग ग्रुप के बारे में जागरूकता फैलाना ठीक जी ट्वेंटी शेरप अमिताभ कांत ने डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का डेमो यहाँ पर दिया था सुषमा स्वराज भवन में सही आंसर सही हो जाएगा डी वन एंड टू बोथ करेक्ट मतलब सारे कथन यहाँ पे सही है हाल ही में अभी कौन सा राज्य का विधेयक चर्चा में था डोमिसाइल विधेयक डोमिसाइल बिल चर्चा में था जहाँ पर उस राज्य के राज्यपाल ने उस पर एसेंट देने से मना कर दिया था तो ये झारखंड का विधेयक था ऑप्शन नंबर सी जिसको पारित किया गया था वहाँ की विधानसभा से लेकिन फाइनली जो है राज्यपाल रमेश बैस ने मना कर दिया था कि सभी लोगों को समान रोजगार के अवसर प्रदान करने में ये एक्ट या बिल विफल रहेगा इस वजह से इसको एसेंट नहीं मिलना चाहिए उसके बाद हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की पुरानी परिभाषा बदलकर एक नई परिभाषा सृजित की गई है ब्रॉडबैंड की ब्रॉडबैंड की नई परिभाषा थी कि जिसकी स्पीड पाँच सौ बारह के ए पी एस हो लेकिन अब नई डेफिनेशन आ गई है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि एटलीस्ट दो एम बी पी एस अगर स्पीड देता है कोई सर्विस तभी ब्रॉडबैंड कहलाने लायक है और अदर स्टेट्स अदर मतलब कंट्रीज जैसे यूएस में तो ये डेफिनेशन पच्चीस एम बी पी एस की कैनेडा में पचास एम बी पी एस की है हमने में से किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है या फॉरेन मर्चेंट को भी अपने यूपीआई से पे कर सकते हैं आपको पेपल वगैरह का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी तो फोन पे ने सर्विस शुरू की है ऑप्शन नंबर ए आप कोई भी सामान खरीदते हैं फॉरन मर्चेंट से तो उसको यहीं पर बैठे बैठे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं अभी के लिए कंट्रीज जो इसमें इंक्लूडेड है वो है मॉरिशस भूटान नेपाल यू सिंगापुर निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है गुजरात विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए गुजरात सार्वजनिक परीक्षा अनियमितता नियंत्रण विधेयक पारित किया है पेपर लीक करने पर एक करोड़ का जुर्माना दस साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है चर्चा में आया था यहाँ पे सही है सी झील जो है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है इनमें से किस स्टेट या यूटी में फरवरी दो में और इस तरीके से फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है उस स्टेट की तो ये जो है कहाँ की है हेरिटेज साइट लद्दाख की ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी बेसिकली और ये लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल भी है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले के बारे में देखेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ था छत्तीसवां संस्करण था सूरज कुंड मेले का इसके बाद फिर इसको इनोग्रेट किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जगदीप धनखड़ ने एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इस बार इसके थीम स्टेट थे जैसे अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाती हैं आंसर सही हो जाएगा डी सारे कथन सही हैं आगे कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी आर ने अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए ग्राहक को अधिकृत भोजन अधिकृत भोजन प्रदान करने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है तो यह शुरू की है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी ऑप्शन नंबर बी सोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी ने 12 और सैटेलाइट यहाँ पे खोज लिए हैं जुपिटर के तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ मून या सैटेलाइट किसके पास हो गए हैं जुपिटर के पास जुपिटर के अब बानवे सेटेलाइट हो गए हैं सैटर्न के अब नवासी रह गए हैं तो इस तरीके से जुपिटर के सर्वाधिक सेटेलाइट हो तो से कार्य योजना ने शुरू की है इसका आशा है एक एक्सप्रेस ट्रेन का और इनकम जनरेशन भी यहां पर बढ़ेगा रेलवे का जिससे जो ट्रेन की डिमांड ज्यादा रहती है उसको ज्यादा दिन चलाया जाए जो ट्रेन खाली चलती है उसको कम चलाया जाए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविन ऐप की तरह कोविन प्लेटफॉर्म की तरह एक यूविन इन प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिससे कि डिजिटल वैक्सीनेशन मतलब डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जा सके जो वेमे और चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन होता है उसका तो सी यहाँ पे सही है वन एंड टू बहुत करेक्ट सी अपनी फिल्म में सेल्फी के प्रमोशन के लिए मुंबई में तीन मिनट में एक सेल्फी लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किसने दर्ज किया है अक्षय कुमार ने ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2023 में ई ट्वेंटी ईंधन जो मीएम मोदी जी ने शुरू किया है उसके बारे में बताइए कि इंडिया एनर्जी वीक में इसका इनाग्रेट किया गया सही और जो है इसको सत्तासी लोकेशन में अभी शुरू किया गया है उन्नीस स्टेट्स और यूटीज़ में इसका आशय है कि ई ट्वेंटी का मतलब बीस परसेंट इथिनॉल मिश्रित अस्सी परसेंट पेट्रोल तो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी कोई भी कथन गलत नहीं है डी यहाँ पे सही है एक्चुअली एक स्टेटमेंट गलत है मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें इस, इसको अभी लॉन्च किया गया है तिरासी लोकेशन में ग्यारह स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में ई ट्वेंटी को लॉन्च किया गया है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर सही हो जाएगा बी बी यहाँ पे सही है डी नहीं अभी इसको ग्यारह स्टेट्स यूटीज में ई ट्वेंटी को लॉन्च किया गया है जनवरी दो में यूक्रेन के किस शहर में आ, स्थित ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को के, के लुप्त तो प्राय वैश्विक धरोहर स्थल की सूची में जोड़ने का फैसला किया गया है जोड़ा जाएगा ओडेसा को। ओडेसा को ऑप्शन नंबर बी फिर सही कथन का चयन करना है पहला स्टेटमेंट तो कोई इतना जरूरी नहीं है इसको रिप्लेस करके दिया जाएगा आपके पेट वाले पीडीएफ में सेकंड हम देख लेते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म यहां पर इंश्योरेंस बायर्स और सेलर्स के लिए सृजित किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम है बीमा सुगम यही जो है पूछा जाएगा आपसे इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जैसे इसको कई बार ट्विस्ट करने का प्रयास करते हैं आपको दे देंगे बीमा सरल है ठीक है बीमा कुशल लिख देंगे इसको बीमा सहज लिख देंगे लेकिन आपको सुगम पर ही ध्यान देना है ध्यान रखिएगा एकीकृत चिकित्सा केंद्र के बारे में क्या सही है सरकारी अस्पतालों को एकीकृत चिकित्सा केंद्र के रूप में भारत सरकार शोधित करने वाली है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहला एकीकृत चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर शुरू किया गया सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में मेन ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव का कि ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज किया जाए Indians का और मेडिसिनल फील्ड में उसका उपयोग किया जाए मुख्य उद्देश्य औषधि क्षेत्र में भारतीयों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना है सही हो जाएगा यहाँ पर डी तो ये इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर्स मेनली किस तरीके की पद्धति पर फोकस करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन पर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर छत्तीसगढ़ के पांच जिलों में भारत की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत की गई है इंडिया फर्स्ट मोहल्ला लोक अदालत शुरू की गई कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है तो बीजापुर में नहीं शुरू किया गया था इसको बाकी उत्तर मतलब ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रायपुर दुर्ग जगदलपुर और सरगुजा अंबिकापुर अंभी, में इसको शुरू किया गया था मोहल्ला लोक अदालत अब बस स्टेट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से की गई छत्तीसगढ़ में भारत के पहले हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन ट्रक के बारे में कौन सा कथन सही है बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन ट्रक पेश किया है इसको डेवलप किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड के द्वारा और ये पहला ऐसा ट्रक है भारत का जो कि हाइड्रोजन से पावर किया गया है तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी सारे कथन सही हैं भारत में किस देश के राजदूत ने हरियाणा के लोहारू कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोहारू असेंबली कॉन्स्टिट्युवेंसी में अर्धशुष्क बागवानी केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है इसराइल राजदूत ने जिनका नाम है नावर गिलन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर का उद्घाटन इन्होंने गिगनाऊ ग्राम लोहारू विधानसभा क्षेत्र में किया हरियाणा में ऑप्शन नंबर बी मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और पी नामक एक स्विट्जरलैंड की कंपनी ने मिलकर के डिजिटल सिल्वर शुरू किया है डिजिटल गोल्ड की तरह ठीक उसके बाद जो है क्वाड नेशंस ने पब्लिक कैंपेन क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया था क्वाड कंट्रीज में साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्यू आर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन अभी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है बारह सिटीज में तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ऑल ऑफ द दबाव यहाँ पे करेक्ट है क्यूआर कोड क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन क्यों आई है क्योंकि लोग जो है नकली नोट डाल करके सिक्के निकाल रहे थे काफ़ी तो इसको लेकर क्यू कोड बेस्ड मशीन यहाँ पर शुरू की गई है फरवरी दो में भारत के किस देश की मदद भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था टर्की की हेल्प के लिए ऑप्शन नंबर अस्सी दो भूकंप आयटर के में उसकी हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का इसने पार्टिसिपेट किया इस ऑपरेशन दोस्त में और इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी हिंडन एयरबेस से गाजियाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे काफी दिन से चर्चा में है इसका पहले खंड का उद्घाटन हो चुका है दिल्ली दौसा ललसोट सेक्शन का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का उद्घाटन हो चुका है टोटल लेंथ एक्सप्रेस की है दो किलोमीटर बाकी कुछ अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के बारे में ध्यान रखिए कि यह छह स्टेट से पास होगा ये जरूरी है और दिल्ली दौसा खंड के निर्माण के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था सौ घंटों में पचास किलोमीटर की दूरी उच्च गुणवत्ता वाले घने बिटोमिन का इस्तेमाल करके बनाई गई थी सड़क तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी सारे कथन यहाँ पे सही है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑफ द भाव यानी कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है आगे हम लोग पढ़ते हैं फरवरी 2023 में किस राज्य या फिर यूटी में भारत का पहला लिथियम भंडार पाया गया है बड़े स्तर पर भारत में लिथियम भंडार पहली बार जे एंड के में पाया गया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में लिथियम जो है मेनली पाया जाता था कहाँ पर अर्जेंटीना चिली में बोलीविया में थोड़ा सा ग्रीन बुशेस माइन जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी लिथियम माइन है पूरे विश्व की ध्यान रखिएगा तैंतीस वर्षीय भारतीय अमेरिकी विवेक रामस्वामी ने वर्तमान में जो एंटी वोक आई के सी हैं किस वर्ष तक कि इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं तो निकी हैली ने भी अपनी बिट डाल दी है डोनाल्ड ट्रंप ने तो डाली दी है फिर विवेक रामस्वामी भी इसमें आ चुके हैं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष पड़ा नेन्दू रमन ने दावा किया कि वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण अभी भी जिंदा है वेलुपल्लई पल्लई प्रभाकरण लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का संस्थापक था यानी लिट्टे का और उन्नीस में प्रधानमंत्री इंद्र राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी तो ये वाला कथन गलत है बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी प्रभाकरण को एक्चुअली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था 18 मई 2009 में श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा भारत सरकार ने इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए खनन प्रहरी नामक एक ऐप की शुरुआत की जहां पर कोई भी जहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है रायना बरनावी ये पहली विमेन एस्ट्रोनॉट बन गई हैं ये सऊदी अरबिया की और ये फ्लाई करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2023 में आगे है फरवरी 2023 में चार ईयर यहाँ पर हो गए थे पुलवामा अटैक के 14 फेब दो को पुलवामा अटैक हुआ था आंसर सही हो जाएगा इसमें नन ऑफ द वो सारे कथन एकदम सही है कोई भी गलत नहीं है हाल ही में फिर से जो बीमारू शब्द चर्चा में आया था जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट का शब्द है भारत में पीएम मोदी ने इसको यूज़ किया था इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में ये क्या है इसमें बीमारू में कितने स्टेट शामिल होते हैं तो बीमारू में चार स्टेट शामिल होते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर बी जैसे बिहार एम से एम पी आर से राजस्थान और यू से यूपी एक्रोनिम ये आशीष बोस नामक ने दिया था उन्हें में बताने के लिए कि इन स्टेट्स स्टेट्स यानी चार में डेवलपमेंट का स्तर कम है जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली के आधार पर तीन शिकायत अपीलीय समितियों का सृजन किया है कौन सी समिति नहीं बनी है आपको बताना है ठीक है तो पहली समिति का नाम है राजेश कुमार समिति तीसरी समिति का नाम समिति का नाम कविता भाटिया समिति है लेकिन सुनील सोनी नाम कोई समिति नहीं बनी है विक्रम सहायक समिति बनी है ठीक है तो विक्रम सहाय समिति कविता भाटिया समिति राजेश कुमार समिति यहाँ पर बनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स पर ग्रीवेंस रिट्रेसल के लिए ठीक है इसके बाद 12 से 22 फरवरी के बीच पाकिस्तान उच्च आयोग ने निम्नलिखित में से किस मंदिर के दर्शन के लिए 114 हिंदू भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया था पंजाब प्रांत के चक्रवाल जिले में कटास राज मंदिर जो है उसके दर्शन के लिए वीजा जारी किया गया था हिंदुओं को नेट जीरो कार्बन अचीव करने के उद्देश्य से फरवरी 2023 में यूरोपियन यूनियन ने घोषणा की कि किस वर्ष तक गैस और डीजल कारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाले हैं वो तो यूरोपियन यूनियन डीजल बेस्ड और गैस बेस्ड कार पर 2035 तक में पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला है मारबर्ग वायरस इक्वेटोरियल गिनी सहित अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है और ये ह्यूमन से बैट से फैलता है यानी कि चमगादड़ से मानो में फैलता है और इसके इन्फेक्शन से फीवर होता है जो कि हिमरेजिक होता है वायरस जो है इबोला वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है तो सारे कथन यहाँ पर सही है मारबर्ग वायरस के बारे में डी भगवान शिव को समर्पित सप्त कोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार तीन सौ पचास साल बाद किस स्टेट ने किया है गोवा ने पोर्टुगीज ने गोवा को कब्जा करने के बाद इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था सोलह में शिवाजी ने इसका रिनोवेशन रे, करवाया था ठीक है और फाइनली फिर इसका जीर्णोद्धार गोवा गवर्नमेंट ने कराया इसको इनोग्रेट किया है तो कहाँ पर सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा में पहले सरस आजीविका मेला जो 2023 का इसका आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में ठीक है ये बाग ए बहू में हुआ था सही है इसका उद्घाटन वहाँ के गवर्नर ने किया था मोदी जी ने नहीं किया था और उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था, था। केंद्रीय विकास केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ये आयोजित करता है सरस आजीविका मेले और ये किस सब मतलब किस स्कीम की सब स्कीम के तौर पर यह किया जाता है इसका आयोजन दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ये सरस आजीविका मेले लगाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा टू ओनली ये वाला रॉन्ग है बाकी सारे स्टेटमेंट सही है दो का दूसरा उत्तर प्रदेश का पहला सरस आजीविका मेला लगा था नोएडा में ठीक है दो हज़ार इक्कीस में भी नोएडा में लगा था दो का भी नोएडा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था नोएडा में तीसरी बार जो है इस मेले का आयोजन किया जा रहा है सरस आजीविका मेले का तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी ऑल ऑफ द दो करेक्ट फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिंकुला टनल को अप्रूव कर दिया है किस दो स्टेट के बीच ये शिंकूला टनल है रहेगी ये रहेगी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश लद्दाख ग्रीन बॉन्ड एक बार फिर से न्यूज में थे इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो जिसने तीन मतलब लगातार छः साल से स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप किया है इसने भारत का पहला सिविक बॉडी ग्रीन बॉन्ड जारी किया था जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया गाज़ियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी 2021 में एक ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड जारी किया गया था हालांकि इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था ग्रीन बॉन्ड इंडिया में रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा और विश्व का सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया था या फिर कह सकते हैं सॉवरिन बॉन्ड किसने जारी किया था तो वर्ल्ड का पहला सोवरेन बॉन्ड जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी सारे कथन सही हैं भारत और तो यू ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएई चैप्टर की शुरुआत की यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर ठीक है उसके बाद है कि ब्राज़ील ये नया फुल टाइम मेंबर बन करके आया है फरवरी 2023 में इंटरनेशनल सोलर सोलर का तो आंसर सही हो जाएगा सी बोथ वन एंड टू करेक्ट अब बताइए इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जल्दी से कमेंट करके बताइए अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा पेरियन आयम को लगातार दूसरे साल विश्व की सबसे मेधावी छात्रा घोषित किया है ठीक है ये ध्यान रखिएगा उसके बाद फर्स्ट मल्टीप्लेक्स का इनोग्रेशन किया गया था चेन्नई एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में आंसर सही हो जाएगा सी बोथ वन एंड टू करेक्ट सी फरवरी 2023 हजार में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत में महामारी की तैयारियों का उत्कृष्टता केंद्र साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाने वाला है हैदराबाद में हैदराबाद तेलंगाना में हरमनप्रीत कौर अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी में तीन हजार रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है और चौथी अवतार द वे ऑफ वाटर थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई यानी कि सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म तीसरी पूरे विश्व में बन गई है सी यहाँ पर सही हो जाएगा वन एंड थ्री वन एन टू बोथ करेक्ट जनवरी दो में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा मध्यकालीन भारतीय डायनेस्टी पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया इनमें से किस डायनेस्टी को इस प्रदर्शनी में नहीं शोकेस किया गया तो मुस्लिम डायनेस्टी को इसमें नहीं शो किया गया ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से भारत में निर्मित स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम होली मेट्रो की लाइन में डेली मेट्रो की तहत देश की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ये कहां से चली है मुंबई से ऑप्शन बी सिक्स डे मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कहां पे हुआ था लाल किले में भारत पर्व का आयोजन हुआ था 26 से 31 जनवरी के बीच ऑप्शन नंबर डी भारत पर्व मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई थी भारत पर्व मनाए जाने की शुरुआत की गई थी 2016 से दिव्य कला मेला 2023 के बारे में क्या सही है इसका आयोजन हुआ था मुंबई में दिव्य कला मेला डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसबिलिटी के द्वारा किया गया था जाहिर सी बात है इसमें जो तो प्रोडक्ट्स ऑफ तो क्राफ्टमैनशिप प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो किए गए थे वो दिव्यांग इंटरप्रनियोर्स या फिर पर्सन विद डिसबिलिटी वाले आर्टिस और इंटरप्रेनियोर्स के थे सही आंसर सही हो जाएगा इसमें डी सारे के सारे कथन सही है आगे है पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय को जल्द ही यूनेस्को की दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है जल्द शामिल किया जाएगा अभी ऑफिशियली नहीं किया गया है ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर स्थित है तो ये शांति निकेतन में स्थित है लेकिन अगर प्रॉपर जिले का नाम पूछ लें तो इसका आंसर हो जाएगा बीरभूम वैस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर बी इसको शुरू किसने किया था उन्नीस में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बारह फरवरी दो को महर्षि दयानंद सरस्वती की दो जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया पीएम मोदी जी ने किया था ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2023 में हैदराबाद स्थित मार्केट लीडर आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को परमाणु टर्बाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन पार्ट्स की आपूर्ति करने का यहाँ पे ऑर्डर मिला था और ऐसा ऑर्डर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी यानी कि आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को अप्रूव कर दिया गया यह पहली इंडियन कंपनी होगी ठीक है जिसे क्रिटिकल रोटेटिंग पार्ट न्यूक्लियर टर्बाइनस के लिए सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीएम कुसुम योजना को एक्सटेंड कर दिया गया दो हज़ार छब्बीस तक ये योजना कब शुरू की गई थी आप जल्दी से कमेंट करके बताइए ठीक है पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी तो हो जाएगा सी बहुत सी गृहमंत्री अमित शाह जी ने एक नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना आधारशिला की है भारत का ये नैनो यूरिया संयंत्र होगा तो देवघर झारखंड में भारत का पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र होगा सबसे पहला कहां पे खुला था गुजरात में मतलब सबसे पहले के उद्घाटन कहाँ पे किया गया था गुजरात में पीएम मोदी जी के द्वारा पीएम मोदी जी संसद में एक पीईटी प्लास्टिक बॉटल से बनी जैकेट पहनकर दिखे थे मतलब रिसाइकल्ड पीई प्लास्टिक बॉटल से बनी ब्लू जैकेट पहने दिखे थे इसको किसने मैनुफेक्चर किया था तो इस जैकेट को मैनुफैक्चर करने काम किया था आईओसी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ऑप्शन नंबर बी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट रूट्स पर कब से चलाई जाने वाली है तो लक्ष्य रखा गया कि दिसंबर 2023 तक एक हाइड्रोजन ट्रेन आपको एटलीस्ट देखने को मिलेगी इन हेरिटेज रूट्स में से कहीं ठीक है इन हेरिटेज रूट्स में से कहीं एक में हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलती हुई आपको देखने को मिलेगी दिसंबर दो तक दाऊदी बोरा समुदाय के लिए एक शैक्षणिक संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया मोदी जी ने तो इसका उद्घाटन किया था मुंबई में ऑप्शन नंबर

आप uh, कह सकते हैं लाइन्स पर या फिर उसके लक्ष्य के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को शुरुआत किया गया था अक्टूबर uh, दो में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो स्टेट्स की पार्टनरिंग है कई बार उसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेट किसका पार्टनर बनाया गया है जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है किस स्टेट का पार्टनर बनाया गया है उत्तर प्रदेश पार्टनर बना है अरुणाचल प्रदेश का और मेघालय का संयुक्त रूप से बिहार किस स्टेट का पार्टनर बना है त्रिपुरा मिजोरम का हरियाणा का पार्टनर स्टेट है यहाँ पर तेलंगाना और उत्तराखंड का पार्टनर स्टेट है कर्नाटक तो पंजाब का पार्टनर स्टेट स्टेट है आंध्र प्रदेश यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के अनुसार कितने चीतों को भारत लाया गया था साउथ अफ्रीका से आठ फे दो को प्रोजेक्ट चीता रिवाइवल के तहत बारह चीतों को भारत लाया गया था साउथ अफ्रीका से इससे पहले नोमीबिया सेप्टेम्बर से दो हजार में आठ चीतों को भारत लाया गया था ठीक है पुरु नेशनल पार्क में इनको लाया गया है इनके से कितने किस मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स है कि सिविल एविय मतलब सिविल एवियेशन है कि होम मिनिस्ट्री है तो बेसिकली ये ऐप किसने शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश या फिर मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करने की घोषणा की है और पहली यूरोपियन कंट्री बन गई ऐसा करने वाली तो ये स्पेन ने किया है महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव वहां पर मिलेगी बी महिलाओं को फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाली पहली कंट्री कौन बनी थी स्कॉटलैंड ठीक है स्कॉटलैंड निकी हैली आजकल चर्चा में इनके बारे में कौन सा कथन गलत है फरवरी 2023 15 तारीख को उन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन नेता जो निकी हैली है 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी होंगी ठीक है आ, हैली दक्षिण कैरोलिना की दो बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकी है ये भी सही लगातार तीन अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी होने वाली चौथी इंडियन अमेरिकन है ये इसमें कहा गया स्टेटमेंट में जबकि रॉन्ग है ठीक है फोर्थ तो विवेक रामास्वामी जिनके बारे में भी हमने ऊपर बताया थर्ड है ये थर्ड इंडियन अमेरिकन जो यूएस एस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है जैसे बॉबी जिंदल पार्टिसिपेट किए थे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 में मतलब जो हुए थे उसमें कमला हैरिस ने पार्टिसिपेट किया था तीसरी बन गई है निकी हैली इनके नामांकन के एक हफ्ते बाद ही विवेक रामस्वामी ने कहा था कि वो भी जो है इलेक्शन फाइट करेंगे तो इस तरीके से वो हो गए चौथे निकी हैली के बचपन का नाम है निम्रता निक्की रंधावा और इनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं पंजाब से इनका जन्म हालांकि हुआ था साउथ कैरोलिना में यूएस में क्योंकि यूएस में एक नियम है कि वहां पर जो बर्थ से सिटीजन होता है वही जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइट कर सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ प्राइवेट बाइक्स ऑपरेटेड बाई ओला उबर एंड रैपिडो एज टैक्सीज तो किस स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बैन कर दिया है कि प्राइवेट बाइक्स ओला उबर और रेपिडो में टैक्सी के तौर पर यूज नहीं की जाएंगी तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया है जादू पिटारा अभी जा, काफी चर्चा में आया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया जादू पिटारा क्या है बेसिकली जादू पिटारा बेसिकली एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये बहुत जरूरी है गेम बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिससे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सके जैसे कि कुछ प्ले बुक्स इंक्लूडेड हैं हैं इसमें फ्लैश कार्ड है, पोस्टर्स हैं वर्कशीट हैं और स्टोरी बुक्स हैं तो ये है जादू पिटारा किस किस एज के बच्चों के लिए है तीन से आठ साल तक के बच्चों के लिए तो ये है जादू पिटारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी सारे कथन सही है जा, जादू पिटारा के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती के अवसर पर आगरा के किले में दीवान आम क्षेत्र में एक समारोह आयोजित हुआ था यहाँ पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वगैरह आए थे पार्टिसिपेट करने तो तीन सौ तिरानवे बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई थी दीवाने आम एरिया में आगरा फोर्ट में इसका महत्व यह है कि यहीं पर औरंगजेब के कोर्ट में ही शिवाजी ने आकर के आगरा फोर्ट में उन्हें ललकारा था उनके दीवाने आम में पाकिस्तान का जो मतलब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन उनके यहाँ रिकॉर्ड पार कर गई है सताइस दशमलव पांच पांच परसेंट जो है इन्फ्लेशन रेट दर्ज की गई है और हाईएस्ट है सिंस उन्नीस सौ पचहत्तर मई उन्नीस सौ पचहत्तर में आखिरी बार इतनी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दर्ज की गई थी उन्होंने जो है आई एम एफ बेल आउट पैकेज योजना की मांग की है और उस पर बातचीत चल रही है जी ट्वेंटी के अंतर्गत तो वुमेन ट्वेंटी मीट ये हुई थी छत्रपति शाम्भाजी नगर में महाराष्ट्र में और थीम थी इसकी परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी इक्विटी डिग्निटी ऑन एंड वुमेन लेट डेवलपमेंट आंसर तो सही हो जाएगा इसमें सी वन एंड टू बोथ करेक्ट सी हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फिजी में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था ऑप्शन नंबर डी भारत द्वारा स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश को पचास बसें प्रदान की गई हैं तो पचास बसें प्रदान की गई थी श्रीलंका को ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता की प्लेटिनम जयंती मनाई है चार फेब दो हज़ार तेईस को भारत के डिजिटल विश्वविद्यालय के बारे में क्या गलत है यह पीएम मोदी जी ने घोषणा की है कि डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा फरवरी दो मतलब वर्ष दो के अंत तक यह घोषणा की गई थी हमारे कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया दूसरा स्टेटमेंट है कि इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा जिससे हायर एजुकेशन की कॉस्ट को कट किया जा सके डिजिटल फॉर्मेट में सब जो है स्टडी मटेरियल और कोर्सेस अवेलेबल हो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से स्टार्ट किया जाएगा तेईस चौबीस से

क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पर सपोर्ट करने का काम किया पहला फिनटेक ऐप जो यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करेगा अभी तक रुपए केवल डेबिट कार्ड्स में अवेलेबल था क्रेडिट कार्ड भी नहीं अवेलेबल था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पढ़ने और लिखने में कम सक्षम व्यक्तियों के लिए हैलो उज्जीवन ऐप शुरू किया है मतलब जिनकी जो रीडिंग और राइटिंग डिसबिलिटी से ग्रस्त है उनके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेलो ऐप शुरू किया है तो सही है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी दोनों स्टेटमेंट सही है तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है मोमेंटम 2.0 नामक भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया गया है कहां पर? दिल्ली मेट्रो की तरफ से कौन का का सा शहर भेदभाव तो देश में बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति या स्टेट ऑफ एलिमिटी की घोषणा की गई थी पार क्राइसिस की वजह से पार क्राइसिस यहाँ पर साउथ अफ्रीका में देखी जा रही है ऑप्शन नंबर डी हाल ही में किस देश ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर पहले लगाए हुए स्थायी प्रतिबंध को हटा दिया है और किस देश ने मुरब्बा नामा एक हाईटेक सिटी बनाए जाने की घोषणा की है तो मुरब्बा नामा एक हाईटेक सिटी बनाई जाएगी सऊदी अरब में नवंबर वन दो में फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया था कतर ने क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसमें कुछ कोलेरा वगैरह की बीमारी हो रही है कोलेरा के स्ट्रेन पाए गए हैं हालांकि फिर क्लैरिफाई किया गया भारत के द्वारा और जब चीजें सुलझ गई तो कतर ने फिर से इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया है भारत के सी फूड से सी फूड का इम्पोर्ट अलाउ कर दिया है तो न्यू मुरब्बा नामा एक हाईटेक सिटी पर बनाई जाएगी सऊदी अरब में आगे वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के एक वर्ष पूरे हो गए युद्ध कब शुरू हुआ था युद्ध शुरू हुआ था चौबीस फरब दो को लास्ट ईयर भी हमने बताया था तो इसको रिकॉल कीजिएगा पूछा जा सकता है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली गुरु कृपा यात्रा किस शहर से शुरू की गई गुरु कृपा यात्रा शुरू की गई है आपकी लखनऊ से ठीक है मतलब तो लखनऊ से शुरू होगी पांच अप्रैल दो हजार तेईस को लखनऊ से शुरू होगी और लखनऊ में ही समाप्त होगी इस दौरान जो सिख धर्म संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है जैसे कीरतपुर साहिब अनंतपुर साहिब सरहिंद अमृतसर भटिंडा नांदेड़ पटना इन सबकी यात्रा करते हुए पिलग्रमेज वापस लखनऊ आएंगे फरवरी 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में शांति प्रस्ताव में मतदान किया इस मतदान में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं हुए तो तो चाइना ने ने किया किया भारत आंसर सही हो जाएगा डी मोर देन वन ऑफ द पर करेक्ट है तो एक मेंबर्स ने इस फेवर में वोट किया था कि रशिया अपने ट्रूप्स को यूक्रेन से विद्रॉ कर ले तो इसमें इंडिया ने अपस्टेन किया चाइना ने अप्सटेन किया टोटल एक मेंबर्स हैं यूएन के उसमें से एक ने इस फेवर में वोट किया कि रशिया अपने ट्रूप्स विदड्रॉ कर ले लोकतंत्र के लिए शिक्षा के संबंध में गलत कथनों का चयन करना है तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा जो है यूनानियमसली पास किया गया है कोई वोटिंग इसमें नहीं हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सही है और पर्पस इज रेजोल्यूशन का कि मेंबर स्टेट्स को इंकरेज किया जाए जैसे भारत में एजुकेश, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है वैसे ही अन्य देशों में भी डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पर फोकस किया जाए आंसर सही हो जाएगा इसमें डी सारे कथन यहाँ पर सही है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं का समर्थन करने के लिए यूएस की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलारी क्लिंटन ने भारतीय अमेरिकी संस्था जो सेवा नाम से है एस ई डब्ल्यू ए नाम से जो इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर आ, हिलारी क्लिंटन ने यहाँ पर हेनरी नहीं होगा हिलारी होगा हिलारी क्लिंटन कि ने आ, कितने बिलियन डॉलर कितने मिलियन डॉलर्स का फंड यहाँ पे अनाउंस किया पचास मिलियन डॉलर्स का ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलेंस फंड की घोषणा की है पचास मिलियन डॉलर्स की हिलारी क्लिटन ने ये काम करेंगे करेंगी सेवा नामक इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई कार ने गेहूँ की नई किस्म विकसित की है यह किस्म कौन सी है यह है एच डी डबल थ्री एट फाइव ऑप्शन नंबर बी एच टी डबल थ्री एट फाइव बौद्ध सर्किट के माध्यम से जो पैदल यात्रा होनी है उसके बारे में आप बताना है कौन सा कथन गलत है फरवरी दो में दक्षिण कोरिया की सांगवोल सोसाइटी भारत और नेपाल स्थित तो बौद्ध स्थलों की पैदल यात्रा करने वाली है सही एक सौ आठ बुद्धिस्ट पिलग्राम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पैदल यात्रा करेंगे ग्यारह सौ किलोमीटर की और वेरियस प्लेसेस प्लेस विजिट करेंगे उत्तर प्रदेश बिहार के जो बौद्ध स्थल है वहाँ पे तैतालीस दिनों के लिए तो सही हो जाएगा डी कोई भी कथन गलत नहीं है कहाँ कहाँ विजिट करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय बोधगया लुम्बिनी महापरिनिर्वाण मंदिर और रामभर स्तूप विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की स्थापना कहां पर की गई है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क के फाउंडेशन यहां पर ले किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपने कितने डॉलर के नोटों से ब्रिटिश सम्राट महारानी एलिजाबेथ का चेहरा हटाने की घोषणा की है तो पांच डॉलर के नोट्स में ऑस्ट्रेलियन डॉलर के नोट में तो महाराना महारानी एलिजाबेथ छपी है उनको हटाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में बताना है कौन सा सही है ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है ये सृजित किया जाएगा केरल में ठीक है केरल के तिरुवनंतपुरम में और कोची में स्टेब्लिश किया जाएगा तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द बो करेक्ट डी डीएमआरसी ने दिल्ली में अपना पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है फर्स्ट इंडिया फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर तो ये दोनों कथन सही है इंडिया फर्स्ट मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहाँ पे होगा डीएमआरसी के आ, मतलब दिल्ली में ही बनेगा ये कहां भी बन रहा है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन जो है न्यू न्यूडेली में वहां पर बनेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह बनेगा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी ऑल ऑफ द बो करेक्ट हाल ही में जो किलाड़ी नामक आर्कोलॉजिकल साइट जो चर्चा में रही तमिलनाडु में वैगाई रिवर वैली पर स्थित है ये पुरातात्विक स्थल है ये काफी दिन से चर्चा में है और ये संगम इरा का एक साइट है और ये एक अर्बन सेटलमेंट है ठीक है रूरल नहीं ये एक अर्बन सेटलमेंट है ध्यान रखिएगा तो आंसर सही हो जाएगा इसमें ओनली वन करेक्ट ये एक रूरल नहीं अर्बन सेटलमेंट है और किलाड़ी संगम युग से जुड़ा हुआ सेटलमेंट है वैगाई रिवर वैली पर स्थित है बाईस फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के बाईसवें विधि आयोग के कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया है इसमें 2026 लिखा हुआ है तो गलत है 2024 तक बढ़ा दिया है और बाईसवां लॉ कमीशन जो है इसका कार्यकाल एंड हो रहा था बीस फरवरी दो हजार तेईस को तो इसको वक्त दो तक बढ़ा दिया गया है ये सही है और लॉ कमीशन जो है सबसे पहले कंस्टिट्यूट किया गया था उन्नीस सौ पचपन में एंसर सही हो जाएगा इसमें बी टू एंड थ्री करेक्ट वन इन करेक्ट बारिसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव कहाँ बनाया गया था ये बनाया गया था न्यू डेली में ऑप्शन नंबर बी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने काऊ हक डे मनाने का यहाँ पर फैसला किया था अपील किया था लोगों से लेकिन काफी ज्यादा इसको मॉक किया गया और एक तरीके से इसका विरोध भी हुआ था तो इसको फिर फाइनली विड्रॉ कर लिया था प्रपोजल को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा था वेलेंटाइंस डे के दिन काऊ हक डे मनाया जाए फिर फाइनली मनाया नहीं गया था ये भूटान के सात वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुंग देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं ठीक है सही उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था टू बिलियन एडिशनल ग्रांट के रूप में यूसेट के द्वारा जिससे कि यूक्रेन और एसेंशियल uh, सर्विसेज को मेंटेन किया जा सके दोनों यहाँ पर सही कथन हो जाएंगे सी वन इन टू बोथ करेक्ट इनमें से किस देश के अपर हाउस के सीनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसपे बायोलिट्रल इंडिया के बारे में प्रपोज किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश को एक इंटीग्रल पार्ट माना जाए इंडिया का ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट जियो डेवलपमेंट है एक बिल पास किया गया है बायोलिट्रल रिलेशन ऑफ इंडिया पर अमेरिका में जिसमें कहा गया है कि uh, अरुणाचल प्रदेश को चाइना का नहीं बल्कि इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाए इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म आया है रिवर्स फ्लिपिंग तो रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में इसमें कहा गया है कि स्टार्टअप्स को लेकर है स्टार्टअप्स रिवर्स फ्लिपिंग का अनुभव कर रही हैं फ्लिपिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें इंटायर ओनरशिप इंडियन कंपनी की ओवरसीज कंपनी को चली जाती है सही और रिवर्स फ्लिपिंग एक प्रोसेस है जिससे कि वो कंपनी वापस इंडिया में आ जाती है जिनको फ्लिप किया गया था पहले तो फ्लिपिंग का आशय है कि यहाँ की कंपनी को विदेश में बेच देना और रिवर्स फ्लिपिंग का आशय है कि जो कंपनी जो शिफ्ट हो गई थी विदेशों में बिक गई थी वो वापस

सीरिया में आया था ताजिकिस्तान में आया था पापवा न्यूगी में भी आया था चिली में कोई भूकंप नहीं आया था फाइव मंथ में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा इसके बाद है कि पाकिस्तान को चीन से कितनी धनराशि फंड के रूप में मिली है सात मिलियन डॉलर ऑप्शन नंबर डी द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड कंपनी कचरे से, से हाइड्रोजन बनाने वाला पहला संयंत्र कहां पर स्थापित करने वाली है पुणे महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रल साइटेशन की शुरुआत किसने की है ये की है सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अपने फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए न्यूट्रल साइटेशन शुरू किए गए हैं छब्बीस वर्षीय भापती ओपनर स्मृति मंदाना पहली बार होने वाली वीमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बिड में इनको जो है मतलब रिटेन किया गया है टीम में थ्री पॉइंट फाइव करोड़ रुपए से और बिल गेट्स ने एक्वायर किया है हेनकिन होल्डिंग एन जो कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिवर है नौ सौ दो मिलियन का इन्होंने खरीद लिया बिल गेट्स ने दूसरी सबसे बड़ी शराब बनाने मतलब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी के नियंत्रक शेयरधारक हेनकिन होल्डिंग एन को लगभग जो है नौ सौ दो बिलियन मिलियन डॉलर में इन्होंने इसके हिस्से, हिस्से खरीदे हैं अधिक्रहित किए हैं ठीक है तो आंसर सही हो जाएगा सी वन एंड टू बहुत करेक्ट है